साथियों को, सारे नौजवान दोस्तों को, और हमारे यहाँ कई सीनियर कॉमरेड साथी भी मौजूद हैं, उनको मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। आज एक बहुत ही वृहद और व्यापक विषय पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, और इसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। और विषय न सिर्फ वृहद और व्यापक है, बल्कि इसके कुछ हिस्से जटिल भी हैं। मैं जितना मेरी क्षमता के मुताबिक संभव है, हर एक मसले को अधिक से अधिक सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा, बिना सटीकता यानी कि एक्यूरेसी से खिलवाड़ किए बगैर। लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूं कि कई सवाल अनुत्तरित रह सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के बाद, और कई सवाल हो सकता है कि सफिशिएंटली एलैबोरेट न कर पाऊँ, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा पाऊँ। लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा ही, मुझे यकीन है, और जब इस हॉल को बंद करने का वक्त हो जाएगा तो भी हम बाहर मौजूद रहेंगे और एक दूसरे किस्म की चाय पे चर्चा कर सकते हैं, मोदी वाली नहीं, तो चाय पे चर्चा बाहर भी जारी रहेगी। इसलिए वक्त को थोड़ा हमें इलास्टिसिटी के साथ इस्तेमाल करना होगा, और इसीलिए मैं लंबी चौड़ी भूमिका न बांधते हुए सीधे मुद्दे पर बात करूँगा। इस 5 मई को मार्क्स के जन्म के 200 साल पूरे हुए, और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक सामाजिक रूपांतरण के लिए, एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं सोसाइटी के, वो लोग मार्क्स के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि वे लोग जिन्होंने 1990 में सोवियत संघ का जो नेम से एक सोशलिज्म था, क्योंकि सोशलिज्म वहाँ पे वास्तव में स्टालिन की मृत्यु के बाद और 20th कांग्रेस के बाद ही कोलैप्स कर चुका था, लेकिन 90 में जब फॉर्मली सोवियत यूनियन का लाल झंडा गिरा तो पूरी दुनिया में जो बुर्जुआ थिंक टैंक्स थे, जो भाड़े के कलम घसीट थे, उन लोगों ने तरह तरह की भविष्यवाणियाँ करनी शुरू कर दी थी कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म है, समाजवाद की अंतिम तौर पे मृत्यु है, मार्क्सवाद का अंतिम तौर पे अंत है। लेकिन आज के दौर में एक अलग ही तस्वीर नज़र आ रही है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर मार्क जोसेफ कार्नी, वो भी मार्क्स को याद कर रहा है। मार्क्स को जॉन क्लॉड यूंकर, जो कि यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है, लग्जमबर्ग का है, पहले लग्जमबर्ग का भी प्रेसिडेंट था, वो भी मार्क्स को याद कर रहा है। हालांकि ये जो हायर्ड हैक्स हैं, ये जो कलम घसीट बुद्धिजीवी हैं, बुर्जुआ वर्ग के थिंक टैंक्स हैं, ये मार्क्स को याद करने के बहाने वास्तव में या तो मार्क्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मार्क्स को एक कॉमन लिबरल में तब्दील कर रहे हैं। जैसे कि जॉन क्लॉड जुंकर जो है, उसने अभी भाषण दिया त्रियर में, और मज़ेदार घटना इसलिए थी क्योंकि त्रियर, जहाँ मार्क्स पैदा हुए थे, वहाँ पर मार्क्स की एक 4.4 मीटर लंबी स्टैचू लगाई गई है, और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि उस स्टैचू को गिफ्ट चाइना ने किया है। वहाँ पर भी एक नेम से एक सोशलिज्म है, वास्तव में एक किस्म की सोशल फैशिस्ट रेजिम है, एक रिविजनिस्ट पार्टी वहाँ पावर में है, और उसने वो मूर्ति गिफ्ट की, जिस मूर्ति का अनावरण करते हुए जॉन क्लॉड जुंकर ने जो स्पीच दी, उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें जुंकर ने कहा कि मार्क्स जो है, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो हत्याएं की, जो जेनोसाइड किया, उसके लिए मार्क्स रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। मार्क्स तो बस रिफॉर्म चाहते थे, कि मतलब सोसाइटी में रिफॉर्म हो, वर्कर्स को उनके राइट्स मिलें। लेकिन उसके बाद लेनिन, स्टालिन, माओ के नेतृत्व में जो एलिजेडली जो जेनोसाइड हुआ, वही प्रचार जो कि हिस्ट्री चैनल, नेट जियोग्राफिक और अलग अलग बुर्जुआ प्रोपेगेंडा मशीन के जो भोंपू हैं, वो पिछले कई दशकों से कर रहे हैं, वही प्रचार जुंकर ने दोहराया और कहा कि मार्क्स ऐसे नहीं थे, मार्क्स तो डिफरेंट थे, मार्क्स एक रिफॉर्म की बात करते थे, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात करते थे। तो मार्क्स को एक नॉन रेवोल्यूशनरी लिबरल में बदल दिया, कि मार्क्स तो केवल सुधारवादी थे, महज एक लिबरल थे। जॉन क्लॉड जुंकर यह बोलता है, जोसेफ कार्नी जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर है, वो बोलता है, वो आप कह सकते हैं कि वार्न करता है रूलिंग क्लास को अपने भाषण में, कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है और हम एक सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, और इस सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के गुजरते वक्त हमें ये याद रखना चाहिए
कि जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और उसके फलस्वरूप सोसाइटी में जो पूरा अपहीवल हुआ था, मजदूरों का भयंकर शोषण, एक तरफ मार्क्स के शब्दों में मिजरी इकट्ठा हो रही थी, दरिद्रता, दुख, तकलीफ, मुफलिसी, बेरोजगारी, गरीबी इकट्ठा हो रही थी, और दूसरे ध्रुव, दूसरे पोल पर वो एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल हो रहा था, कैपिटलिस्ट लगातार अमीर से अमीर हो रहे थे। तो जोसेफ कार्नी बोलता है कि दूसरे सेकंड ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी ऐसा हो सकता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जब दुनिया गुजर रही है तो हमें डर है कि मार्क्सिज्म का फिर से रिवाइवल होगा, कम्युनिज्म का फिर से रिवाइवल होगा। कहने की जरूरत नहीं कि उसका डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में मार्क्सिज्म का रिवाइवल हो रहा है। मार्क्स की कैपिटल जो है उसने पिछले 3 सालों में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेंगविन पब्लिश करता है उसका इंग्लिश एडिशन, पहले तो सोवियत यूनियन से आता था। पेंगविन जो पब्लिश करता है उसने रिपोर्ट किया है कि मार्क्स की राइटिंग्स की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बीबीसी एक पब्लिक सर्वे में मार्क्स को पूरे मिलेनियम का ग्रेटेस्ट फिलोसोफर घोषित करता है। तो ये जो डर है, ये डर बेबुनियाद नहीं है जोसेफ कार्नी का, और जोसेफ कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर है, तो डेफिनेटली वो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कैपिटलिस्ट क्लास की है उसका एक व्यक्ति है, और जब वो कह रहा है तो सुना जाना चाहिए, और वो जो कह रहा है उसको समझा भी जाना चाहिए। मार्क्स का न सिर्फ ये जन्म का 200वां साल है, बल्कि अभी बीते 14 सितंबर को 2017 में मार्क्स के कैपिटल के फर्स्ट वॉल्यूम के पब्लिश होने के 150 साल पूरे हुए। हैम्बर्ग में पब्लिश हुआ था 14 सितंबर 1867 को कैपिटल का फर्स्ट वॉल्यूम, लेकिन ये जो 14 सितंबर गया ये सिर्फ कैपिटल का ही एनिवर्सरी नहीं था 150th, बल्कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी था। जो क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस जिससे आज दुनिया गुजर रही है, हालांकि मिडिल क्लास के कुछ हिस्से अब उसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास का वो हिस्सा जो क्राइसिस की मार नहीं झेल रहा है उसको समझ में नहीं आता है कि क्राइसिस है। हालांकि अब वो उनके घर में भी घुस रहा है, क्योंकि ऐसी कंपनियां जिनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो कभी रिट्रेंच नहीं करती, कभी ले ऑफ नहीं करती, कभी छटनी नहीं करती, उनमें भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोटेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS के बारे में ये फेमस था कि वो किसी को कभी निकालती नहीं है, और IT इंडस्ट्री में एक शब्द जो चला था इन्हीं कंपनीज की वजह से, बेंच स्ट्रेंथ ये होती थी कि जो कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पे ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे होते थे वो तो कर रहे होते थे, लेकिन जो नहीं कर रहे होते थे उन्हें भी TCS निकालता नहीं था, उन्हें बिठा के रखता था। ये टर्म फुटबॉल गेम से आया, आप जानते ही होंगे बेंच स्ट्रेंथ, जो नहीं खेल रहे होते हैं खिलाड़ी वो साइड में शेड में बैठते हैं बेंच पे। तो बेंच स्ट्रेंथ सब अब तबाह हो गई इनकी। लखनऊ का TCS के सेंटर का शटर डाउन हो गया। इन्फोसिस ने अभी हाल ही में एक बड़ी ले ऑफ किया, बड़ा रिट्रेंचमेंट किया है। तो ये जो अपर मिडिल क्लास का हिस्सा है, अब इसको वो हीट, वो ऊष्मा जो क्राइसिस की, वो थोड़ी महसूस हो रही है। लेकिन मिडिल क्लास के बहुत सारे ऐसे भी हिस्से हैं जिनके घरों में अभी क्राइसिस की आग या तो पर्याप्त नहीं पहुंची है या पहुंचने वाली है। तो उनके नौजवान, उनके इंटेलेक्चुअल्स को कई बार लगता है व्हाट क्राइसिस, कहाँ है क्राइसिस, सब ठीक तो चल रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द जो दिखता है वो सब कुछ ठीक ही चलता दिखता है, जब तक कि कुछ कैटाक्लिज्मिक ना हो, एकदम से पहाड़ टूट पड़ने जैसा कुछ ना हो। तो जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से रिक्त एक आबादी होती है उसे हमेशा यही लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसे देखने के लिए मुझे लगता है कि पूना के भी इंडस्ट्रियल एरियाज में जाया जाना चाहिए, नासिक के इंडस्ट्रियल एरियाज में जाया जाना चाहिए, दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, बावल, धारूहेड़ा, इनके इंडस्ट्रियल एरियाज में जाया जाना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि क्राइसिस क्या है। तो ये जो क्राइसिस अभी शुरू हुआ है 2007-8 में, ये आप कह सकते हैं एक मायने में इट्स द मोस्ट सीरियस क्राइसिस कैपिटलिज्म हैज एवर विटनेस्ड, ये अब तक का सबसे गंभीर संकट है कुछ मायनों में। ये क्यों सबसे गंभीर संकट मैं बोल रहा हूं, इस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन इसकी शुरुआत भी 14 सितंबर 2007-8 में ही हुई थी, जब नॉर्दर्न रॉक एक बैंक था यूरोप में, वो कोलैप्स करता है। उसके कोलैप्स होने के साथ जो ग्लोबल स्लो डाउन है, ये जो ग्रेट डिप्रेशन, एक नया ग्रेट डिप्रेशन है, ये शुरू होता है, वो भी 14 सितंबर को कोइंसिडेंटली हुआ, जबकि कैपिटल के छपने की भी 150th एनिवर्सरी, उस समय 140th थी एनिवर्सरी थी, उसी समय ग्रेट डिप्रेशन भी शुरू हुआ। तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस था कि वही मार्क्स जिन्होंने बताया था कि कैपिटलिज्म साइक्लिकल क्राइसिस के चक्र से कभी मुक्ति नहीं पा सकता है,
और कैपिटलिज्म के लॉज ऑफ मोशन में ये इनहेरेंट है, उसके गति के नियमों में ये इनहेरेंट है कि क्राइसिस से वो कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, वो साइक्लिकली रेकर करेगी, चक्रीय क्रम में, आवर्ती क्रम में वो संकट बार बार आएगा। तो आप इसको एक दिलचस्प इत्तेफाक ही कह सकते हैं। 2007-08 में जब क्राइसिस शुरू हुई तो मार्क्स के कैपिटल पे उस समय से लेकर अभी 10 साल बीत चुके हैं क्राइसिस के, बहुत सारे वर्क्स पब्लिश हुए हैं। कुछ वर्क्स ऐसे हैं, बहुत थोड़े से चुनिंदा वर्क्स ऐसे हैं जो मार्क्स की थियोरी को खारिज करते हैं, जिसमें एक चर्चित किताब है जोनाथन स्पर्बर की, कार्ल मार्क्स 19th सेंचुरी लाइफ, एक किताब है गैरेथ स्टेडमैन जोन्स की, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। इन दोनों किताबों में ये कहा गया है कि मार्क्स की थियोरी वैलिड नहीं है। जोनाथन स्पर्बर का कहना है कि मार्क्स के टाइम में मार्क्स की थियोरी वैलिड थी लेकिन अब नहीं है वैलिड। गैरेथ स्टेडमैन जोन्स का कहना है कि मार्क्स के टाइम में भी मार्क्स की थियोरी वैलिड नहीं थी। वो बोलता है कैपिटल एक स्टिल बॉर्न प्रोजेक्ट था, एक ऐसा बच्चा था जो मरा हुआ पैदा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद कैपिटल में ज़बरदस्त इंटरेस्ट जनरेट हुआ है 2007-08 के बाद। मैं पूरी बात तो अभिजीत की नहीं समझ पाया क्योंकि वो मराठी में बोल रहे थे, लेकिन सरकोजी का जिक्र किया उन्होंने, जो कि एक नियो कंजर्वेटिव जार है दुनिया का, फ्रेंच कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट था, वो कैपिटल पढ़ते हुए पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने खुद ही एक ऐसा ताना बाना क्रिएट किया है फाइनेंस कैपिटलिज्म के दौर में जिसको वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, जो ये स्पेक्युलेटिव कैपिटल का, ये सट्टेबाज पूंजी का और शेयर मार्केट का पूरा जो ग्रैंड कैसिनो है, जुआ घर है दुनिया का, ये किस तरीके से काम करता है, इसको समझने के लिए उन्हें भी मार्क्स की शरण में जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो न सिर्फ वो पढ़ रहा था बल्कि इस पूरे 10 साल में बहुत सारी बेहतरीन स्टडीज आई जिन्होंने ये दिखाया कि मार्क्स के कैपिटल का जो एनालिसिस है, आज के क्राइसिस और कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म, आज के दौर के पूंजीवाद को समझने के लिए भी सबसे एक्यूरेट और सबसे साइंटिफिक एनालिसिस जो है वो मार्क्स की कैपिटल देती है। उसमें कुछ किताबों का हो सकता है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने नाम सुना होगा क्योंकि उनके रिव्यूज भारत के इकोनॉमिक्स के जर्नल्स में भी पब्लिश हुए हैं। एंड्रू क्लाइमन की किताब है फेल्योर ऑफ ग्लोबल कैपिटल प्रोडक्शन, द लॉन्ग डिप्रेशन एक किताब है माइकल रॉबर्ट्स की, अनवर शेख की एक बहुत बढ़िया किताब आई है कैपिटलिज्म कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस, और बहुत सारी मतलब किताबें आई हैं। और कुछ ऐसी किताबें भी आई हैं जो मार्क्स के कैपिटल को समझ ही नहीं पाई और उसको इसलिए उन्होंने इनसफिशियंट बताया, और वो ये दावा कर रही हैं कि वो कैपिटलिज्म कैपिटल के उन कमियों को ठीक कर रही हैं मार्क्स के राइटिंग्स की। उनमें से एक है डेविड हार्वे, जो कि सबसे चर्चित नाम है इस समय। वो चर्चित होने का कारण ये है कि उन्होंने कैपिटल पे एक सीरीज ऑफ लेक्चर दिया जो कि पूरा यूट्यूब पे है सारी दुनिया में। बड़े अफसोस की बात है कि तमाम नौजवान मार्क्स के कैपिटल को पढ़ने के बजाय डेविड हार्वे का कंपेनियन टू मार्क्सिस कैपिटल पढ़ रहे हैं। उसके प्रेफेस में डेविड हार्वे ने लिखा है कि कैपिटलिज्म एक ऐसी कैपिटल एक ऐसी रचना है जिसको पढ़ने के बाद हर कोई कैपिटल पे एक किताब लिखने के लिए अपने आप को बाध्य पाता है, वो किताब लिखे बिना कैपिटल पे रह नहीं पाता। लेकिन जब आप डेविड हार्वे की किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि डेविड हार्वे को इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से बचना चाहिए था क्योंकि काफ़ी बुरा उन्होंने बुरी तरीके से समझा है कैपिटल को, उस पर भी हम बाद में आएंगे। लेकिन इतना तय है कि कैपिटल और मार्क्स के इकोनॉमिक थॉट में 2007-08 का ये जो लेटेस्ट क्राइसिस जो अभी भी जारी है, उसके शुरू होने के बाद ये जो स्पर्ट है उसमें दिलचस्पी में जो एक ये बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आई है, ऐसी बढ़ोतरी अनप्रेसिडेंटेड है। मार्क्स के राइटिंग्स में हमेशा दिलचस्पी का एक दौर आता है, जब भी संकट आता है तो मार्क्स अचानक रेलेवेंट लगने लगते हैं, मार्क्स की कैपिटल के ऊपर बहुत सारी रचनाएं आने लग जाती हैं। आप हिस्टोरिकली देखिए, साइक्लिकल क्राइसिस की तरह मार्क्स के कैपिटल में इंटरेस्ट का भी एक साइक्लिकल पैटर्न है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से लेकर 2007-08 तक, जब ग्रेट डिप्रेशन पहला आया 1930s का, उस समय मेजर स्टडीज आई कई कैपिटल पे। हेनरिक ग्रॉसमैन की किताब आई, रोजा लक्जमबर्ग की किताब आई, और भी कई मतलब मेजर स्टडीज आई। उसी तरीके से जब 1970s का क्रैश हुआ, 1973 का जो डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स हुआ और नियो लिबरल पॉलिसीज का स्टार्ट हुआ, उस समय भी एक अचानक उभार आया मार्क्स के कैपिटल में इंटरेस्ट का, बहुत सारी राइटिंग्स उस समय आई। 1980s का जो क्राइसिस था, 1983 का जो स्टॉक मार्केट, 1987 का जो स्टॉक मार्केट कोलैप्स था, उस समय एक नया स्कूल पैदा हुआ जिसको बोला गया न्यू इंटरप्रिटेशन स्कूल, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटल। फिर 1990s में
तो एक निराशा का दौर था क्योंकि सोवियत यूनियन गिरा था और उस समय ये उन्मादी चीखें कैपिटलिस्ट इंटेलिजेंसिया की कि मार्क्सवाद मर गया, समाजवाद खत्म हो गया, इतनी हावी थी कि उसके शोर में सब कुछ दब गया था। लेकिन 1997 में ही ये जो उन्मादी चीख थी ये मरघटी सन्नाटे में तब्दील हो गई, क्योंकि 1997 में ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, जिनको उस समय एशियन टाइगर्स बोला जाता था, सिंगापुर, मलेशिया, इनका कोलैप्स हुआ। एक मॉनिटरी क्राइसिस आया, जिस मॉनिटरी क्राइसिस के पीछे बेसिकली मुनाफे की दर का संकट था, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था मॉनिटरी क्राइसिस के रूप में, और उसके साथ फिर से कैपिटल में इंटरेस्ट में एक उभार होता है। 1960s में भी ये होता है जब अल्थूसर, जो फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट फिलोसफर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक रीडिंग ग्रुप बनाया। उस रीडिंग ग्रुप में जो रीडिंग हुई कैपिटल की, उसके फलस्वरूप एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ जिसमें बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन उसका एक एडिटेड वर्जन अवेलेबल है रीडिंग कैपिटल नाम से, एतियन बालिबार और लुई अल्थूसर का। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल में इंटरेस्ट का एक साइक्लिकल पैटर्न है। हर क्राइसिस जब जाती है, जब खत्म होती है और एक बूम का दौर आता है, एक तेजी का दौर आता है, तो उस समय कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट होते हैं, आइडियोलॉग्स होते हैं, वो घोषणा करते हैं कि अब हमने समझ लिया है कि क्राइसिस को कैसे एवर्ट करना है, रोकना है, अब क्राइसिस दोबारा नहीं आएगी। 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कीन्स ने बोला कि मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। सोल्यूशन ये है कि जो भी डिस्टर्बेंसेज होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसको गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाए, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाए, तो क्राइसिस को रोका जा सकता है। तो इन डिस्टर्बेंसेस को बस पॉलिसी इंटरवेंशन के जरिए मैनेज करना है, प्रबंधित करना है। और एक दफा अगर हमने इन डिस्टर्बेंसेस को, ये जो उथल पुथल आती है बीच में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, इसको सरकारी नीति से प्रबंधित कर ले, तो फिर कैपिटलिज्म को रोका जा सकता है। कैपिटलिज्म का जो तेजी का दौर 1945 से 1973 तक था, और उसका रीजन हम सभी जानते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था, उस डिस्ट्रक्शन की वजह से एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई थी, जिसको एक्सप्लॉइट मुख्य तौर पे अमेरिकन कॉरपोरेट कैपिटलिज्म ने किया, लेकिन यूरोपियन कैपिटलिज्म ने भी किया, जिसको यूरोपियन रिकवरी प्लान के नाम से भी जाना जाता है, मार्शल प्लान के नाम से भी जाना जाता है, जो जापान का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। और इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की जो नई संभावनाएं पैदा हुई थी वॉर की वजह से, उसकी वजह से कैपिटलिज्म ने लगभग 2.5 decades का एक दौर देखा, जिसमें जो कि अभी तक कैपिटलिज्म का सबसे लंबा बूम का दौर रहा है। और उस दौर में तमाम वेस्टर्न इकोनॉमीज थी जो दो रीजन से वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज लागू कर रही थी। एक उस समय सोवियत यूनियन का होना, जिसने कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दिया था, इलिटरेसी को ख़त्म कर दिया था, गरीबी को ख़त्म कर दिया था, भुखमरी को ख़त्म कर दिया था। और उस सोशलिस्ट कैंप की मौजूदगी की वजह से जो कैपिटलिस्ट रेजीम्स थी नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जिसको आज बोला जाता है, यानी कि उत्तर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की, वो मजबूर थी कि कुछ वो सोशल वेलफेयरिज्म करें, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, फूड रैशनिंग की जा रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी। लेकिन 1973 में जब क्राइसिस आया और कोलैप्स हुआ, तो कीन्सियन ये जो पॉलिसीज थी, जिनको ये मान लिया गया था कि अब इन्होंने कैपिटलिज्म के इस क्राइसिस के प्रॉब्लम का समाधान निकाल लिया है, वो एकदम से एक एम्बैरस्ड स्थिति में पहुंच गई। क्योंकि डिस्पाइट ऑल वेलफेयरिज्म, डिस्पाइट ऑल सोशल स्पेंडिंग, क्राइसिस हिट द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इट हिट बैड। एक भयंकर क्राइसिस की शुरुआत हुई। और कई लोग अब यह भी कहते हैं कि 1973 से लेकर अभी तक वास्तव में कोई रियल बूम का दौर नहीं आया है। जैसे एंड्रू क्लाइमन बोलता है, वो बोलता है कि 1973 से लेकर अभी तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो 3% से ऊपर नहीं गया है। अब 3% ये जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर इसको आप काउंटर बैलेंस करें और फैक्टर्स से, तो आप पाएंगे कि एक माइल्ड रिसेशन है, एक मंद मंदी है, जो कि बीच बीच में सीरियस क्राइसिस में कोलैप्स करती है। एक मंद मंदी जिसका पहला सीरियस क्राइसिस आता है 73-74 में, जब डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स करता है और ओपेक ऑयल क्राइसिस होता है। उसके बाद 1987 2001-2002 में हाउसिंग बबल का बस्ट होना अमेरिकन मार्केट में, और 2007-8 में सब प्राइम क्राइसिस की शुरुआत, जो कि अमेरिकन मार्केट में हुई, और वहां से वो फैलते फैलते उसका एक ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, पूरब की तरफ वो क्राइसिस का सेंटर मूव कर रहा है,
जो कि 2010-11 तक सॉवरेन डेट क्राइसिस जो यूरोप में हुआ, सार्वभौम ऋण संकट, जो कि मुख्य तौर पे जिसके निशाने पे यूनान, आइसलैंड, पोर्टुगल ये देश थे, जो कि डेट के प्रेशर में, सॉवरेन डेट मतलब जो सरकार का डेट है, सरकारी ऋण के प्रेशर में इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही थी। और अब ये और ईस्टवर्ड शिफ्ट करते हुए उन इकोनॉमीज तक पहुंच गया है जिनको ग्लोबल इंजन्स ऑफ ग्रोथ आजकल कहा जाता है, चाइना और इंडिया। वहां पर भी स्लो डाउन एकदम क्लियर कट है, रेट ऑफ प्रॉफिट के डिक्लाइन पे अभी रिसेंटली बहुत बढ़िया एम्पिरिकल स्टडीज हुई हैं। इंडिया में जो रेट ऑफ प्रॉफिट 2007-8 के बाद से गिरा है, चाइना में जो गिरा है। तो एक ग्लोबल क्राइसिस है पूरी, और इस ग्लोबल क्राइसिस के दौर में मार्क्स की इकोनॉमिक थियरी में एक इंटरेस्ट अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पैदा हुआ है, क्योंकि ये क्राइसिस बहुत स्टबर्न है, जा नहीं रही है। 2009-10 में पहली बार कहा कि हमने जो फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशन था और जो बाजार की एनोमैली थी उसको दुरुस्त कर लिया है। फेडरल बैंक जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उस वक्त कौन था उसका गवर्नर, चेयरमैन, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, बेन बर्नाके। तो उन्होंने घोषणा की कि अब हमने सब फिक्स कर दिया, अब ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद ही सॉवरेन डेट क्राइसिस आता है और वो जा नहीं रहा है। एक लॉन्ग डिप्रेशन है जो 70s से अभी तक जारी है, और अब बहुत कम उम्मीद है कि कोई सिग्निफिकेंट बूम का दौर कैपिटलिज्म विटनेस करेगा। अब ये एक ही तरीके से सर्वाइव कर सकता है, लगातार वॉर्स पैदा करके और लगातार एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करके। इसलिए रोजा लग्जमबर्ग ने अर्ली 20th century में कहा था कि मानवता के सामने दो ही विकल्प हैं, समाजवाद या बर्बरता। आज ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज मानवता के सामने दो ही विकल्प है, समाजवाद या टोटल एनिहिलेशन, पूर्ण विनाश। और अभी ये जो इंपीरियलिस्ट राइवलरी में ये जो टेंशन पनप रही हैं, ये क्या दिशा लेंगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए तय करना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटी को आगे फ्यूचर में कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। बहुत लोग मार्क्स के ऊपर ये थ्योरी लाद देते हैं कि मार्क्स ने कहा था कि सोशलिज्म इनएविटेबल है, सोशलिज्म तो आएगा ही। मार्क्स ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। मार्क्स ने और एंगल्स ने, लेनिन ने, सभी ने ये कहा है कि क्लास स्ट्रगल के दो संभावित नतीजे हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूचुअली एंटागनिस्टिक क्लासेस या सोशलिज्म। एंगल्स ने इसको कहा है कि जो कभी कभी युद्धरत वर्ग एक दूसरे को इस कदर प्रतिसंतुलित कर देते हैं कि उसका नतीजा युद्धरत वर्गों के विनाश में भी सामने आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है, और मार्क्स के ऊपर यह थियरी जानबूझ के इसलिए थोपी जाती है ताकि मार्क्सवाद को खारिज किया जा सके कि देखो मार्क्स ने बोला था कि सोशलिज्म तो आएगा ही, लेकिन कहां आया सोशलिज्म। तो ये मार्क्स की थियरी नहीं है, आगे हम उसमें थोड़ा सा विस्तार में भी आएंगे। लेकिन कैपिटल की प्रासंगिकता का कारण यह है कि कैपिटल पहली और एकमात्र ऐसी रचना थी जिसने कैपिटलिज्म का एक साइंटिफिक एनालिसिस किया, कैपिटलिस्ट सिस्टम के गति के नियमों को बताया, और कैपिटल ने न सिर्फ ये दिखाया कि ये गति के नियम आवर्ती क्रम में संकट पैदा करेंगे, बल्कि ये भी दिखाया कि कैपिटलिज्म कोई इटर्नल सिस्टम नहीं है, ये हमेशा के लिए बना रहेगा ऐसा नहीं है। हर रूलिंग क्लास कहता है, एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा ने पहली बार नहीं कहा था, हर रूलिंग क्लास कहता है कि उसका सिस्टम लास्ट सिस्टम है, और ये दिस इज द हाइएस्ट द ह्यूमैनिटी कैन अचीव, ये मानवता जो सर्वोच्च व्यवस्था बना सकती है ये उनकी व्यवस्था है, हर रूलिंग क्लास ये कहता है। फ्यूडल रूलिंग क्लास भी कहता था कि ये इटर्नल रूल है, क्योंकि जो किंग है वो ईश्वर की छाया है, राजा जो है वो ईश्वर की छाया है, ईश्वर सम्मत व्यवस्था है। अलग अलग मोनार्कीज ने अलग अलग दौरों में ये बात कही। ब्रिटेन ने कहा कि हमारे राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता, ये इटर्नल है, हर कोई ये कहता है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने भी ये कहा था, किंग्स ने भी ये कहा था, मोनार्क्स ने भी ये कहा था, और जो आज के पूंजीवादी भाड़े के टट्टू हैं वो भी ये कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कैपिटल ने ये दिखाया कि ये इटर्नल सिस्टम नहीं है, इसका एक फाइनाइट एग्जिस्टेंस है, एक निश्चित दौर में ये पैदा हुआ है और एक निश्चित दौर के बाद ये खत्म हो जाएगा। खत्म होकर सोशलिज्म आएगा या बार्बरिज्म आएगा, ये भविष्यवाणी करना बेजन दारूवाला का काम है, मार्क्स का काम नहीं था। मार्क्स एक सोशल साइंटिस्ट थे, लेकिन मार्क्स साथ में एक रेवोल्यूशनरी ऑप्टिमिस्ट भी थे, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म ऑफ विल। मार्क्स एक रेवोल्यूशनरी थे, इसलिए वो मानते थे कि सब्जेक्टिव फोर्सेस ऑर्गेनाइज होंगी, सर्वहारा वर्ग अपने हिरावल शक्ति के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज होगा और सोशलिज्म लाएगा, मानवता के विवेक पे उनको भरोसा था। लेकिन वो
पेसिमिज्म ऑफ विल थे। मैं हमें ग्राम्शी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब ग्राम्शी ने कहा था कि आई एम एन ऑप्टिमिस्ट ऑफ विल एंड पेसिमिस्ट ऑफ इंटेलेक्ट, तो मैंने गलती से पेसिमिज्म ऑफ विल बोल दिया, पेसिमिज्म ऑफ इंटेलेक्ट। मतलब जब आप कैपिटलिज्म का एनालिसिस करते हैं तो उस समय आप पैशन इमोशन दिमाग से हटा देते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी विश क्या है, ये सेकेंडरी है। साइंस अपने नतीजों पे अपनी प्रक्रिया में पहुंचता है, और मार्क्स उस तौर पे पेसिमिस्ट ऑफ इंटेलेक्ट थे, क्योंकि जब वो एनालिसिस करते थे तो वो एक हार्ड साइंटिस्ट थे, और एक रेवोल्यूशनरी के तौर पे वो ऑप्टिमिस्ट थे। इसीलिए आप कैपिटल को कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक रिगर और रेवोल्यूशनरी विगर, इसका एक जबरदस्त द्वंद्वात्मक संलयन, डायलेक्टिकल फ्यूजन, जो कि कैपिटल जिसने भी पढ़ी है वो उसको देख सकता है। यह भी गौर करने की बात है कि मार्क्स ने जब कैपिटल लिखी तो वो बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में लिखी, एक के बाद एक गरीबी की वजह से उनके बच्चे मरे, उनको दफनाते हुए बेहद मुफलिसी की जिंदगी जीते हुए, और एंगेल्स ने अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया होता तो गरीबी के बोझ में मार्क्स चरमरा गए होते, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही बीमारी में, बहुत ही गरीबी में उन्होंने कैपिटल लिखा। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मार्क्स एक लेटर में एंगेल्स को कहते हैं कि मैं वॉल्यूम वन जो पब्लिश होने वाला था, वो कहते हैं कि मैं इसको एक आर्टिस्टिक होल बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। आर्टिस्टिक होल मतलब कि उसमें कंसिस्टेंसी, फिलोसॉफिकल कंसिस्टेंसी, स्टाइलिस्टिक कंसिस्टेंसी, उसको हासिल करने के लिए मार्क्स मतलब संघर्ष कर रहे थे। और ये आप कैपिटल वॉल्यूम वन खासतौर पे अगर पढ़ें, जो कि मार्क्स के जीवन काल में एकमात्र जो कैपिटल का वॉल्यूम प्रकाशित हुआ, हालांकि कैपिटल का जो पूरा स्कीम था वो 6 वॉल्यूम्स का था, उसमें से एक मार्क्स अपने जीवन टाइम काल में वो कंप्लीट कर पाए टोटली एडिट करके, बाकी 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स के तौर पे था जिसको एंगेल्स ने एडिट करके पब्लिश किया, जो कि एंगेल्स का महान योगदान है, क्योंकि एंगेल्स की मेधा मार्क्स से कहीं कम नहीं थी। लेकिन दोस्ती की ये मिसाल, जिसमें कि उन्होंने अपने जीवन को मार्क्स की मैन्युस्क्रिप्ट्स को एडिट करने में खर्च कर दिया, और एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है एंगेल्स का कि वो डेथ बेड पे हैं और वो बेड टेबल लगाए हुए हैं और उसके वो मार्क्स की मैन्युस्क्रिप्ट्स को एडिट कर रहे हैं, वो उनके मृत्यु से कुछ दिन पहले की तस्वीर है। तो वो बाकी 2 वॉल्यूम तो बाद में प्रकाशित हुए, लेकिन जिन्होंने वॉल्यूम 1 पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं कहूंगा जरूर पढ़ें, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि कैपिटल बहुत, कैपिटल कैसे पढ़ सकते हैं, कैपिटल तो नहीं समझ में आएगा। आता है समझ में, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ें या जो पढ़ेंगे वो उसके मतलब मार्क्स के नॉलेज का जो अमेजिंग ब्रेड्थ था और जो अनफैदमेबल डेप्थ था, आप अचंभित रह जाते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर दांते, सर्वांतेस, शेक्सपियर को कोट करते हैं मार्क्स उसमें। पॉलिटिकल इकोनॉमी में एरिस्टोटल से लेकर विलियम पेटी, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मैकलॉच, स्टॉर्च, माल्थस, इनको क्रिटिक करते हुए कोट करते हैं। मतलब आप अचंभित रहते हैं कि एक आदमी का ये, मतलब जिसको आप कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल जीनियस, एक इपोकल जीनियस। तो मार्क्स की गलतियां भी हैं, मार्क्स ने कुछ ऐसे असेसमेंट्स किए थे जिनको बाद में उन्होंने बदला, जैसे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में उनका असेसमेंट था कि इसके भीतर कोई इंटरनल डायनामिज्म नहीं है, इसलिए जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको तोड़ने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप मार्क्स के लेटर इकोनॉमिक नोट्स को पढ़ें, कोवालेव्स्की की किताब पढ़ते हुए, और एल्फिंस्टन जो कि बॉम्बे का प्रेसिडेंसी का वो था गवर्नर, उसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसको पढ़ते हुए मार्क्स ने नोट्स लिए हैं जो कि बहुत समय तक अवेलेबल नहीं थे, अब अवेलेबल हैं, जिसमें मार्क्स बताते हैं कि नहीं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में इंटरनल डायनामिज्म है और यह अपनी आंतरिक गति से टूट सकता है और टूट रहा है। और अंतिम वर्षों में मार्क्स जो है वो रशियन सोशल फॉर्मेशन, जो रूसी समाज था, उसको स्टडी कर रहे थे, और दिल से कितने युवा थे कि रूसी भाषा सीख रहे थे ताकि रूस के बारे में समझ सकें। तो जिसको मार्केस ने कहा ना कि लोग इसलिए, लोग बूढ़े हो जाते हैं इसलिए वो सपना देखना नहीं बंद करते, लोग सपना देखना बंद कर देते हैं इसलिए वो बूढ़े हो जाते हैं, ये बात मार्क्स पे शब्दशः लागू होती है कि आखिरी वर्षों में ये जो जेस्ट था, ये जील थी, ये जो जीवट था उनका, ये चौंका देने वाला है। तो इसके बारे में बहुत
सुपरलेटिव टर्म्स में भी बात की जाए तो कम ठहरेगी। जिन्होंने मार्क्स का कैपिटल पढ़ा है या मार्क्स के जीवन के बारे में पढ़ा है या मार्क्स की फिलोसॉफिकल राइटिंग्स पढ़ी हैं वो चकित रह जाएंगे। ऑन ज्यूइश क्वेश्चन से लेकर पावर्टी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की रचना नहीं है, पोलिटिकल इकोनॉमी की रचना है, लेकिन मार्क्स ने अलग से कभी डायलेक्टिक्स पे नहीं लिखा। लेकिन कैपिटल अपने आप में डायलेक्टिक्स का एक एक्सपेरिमेंट है, डायलेक्टिक्स का एक प्रैक्टिकल मॉडल है जिसको पढ़ के हम समझ सकते हैं कि डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है। बहरहाल, अब आज का जो मुद्दा जिस पे हम बात करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं कि आज का जो पूंजीवाद है उसके संदर्भ में मार्क्स की पूंजी कितनी रेलेवेंट है, इस सवाल के जवाब में मेरा मानना है कि एक काउंटर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि मार्क्स की पूंजी अपने खुद मार्क्स के समय से आज के दौर में कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। और उसके पांच कारण हैं जो मैं समझता हूं। पहला कारण यह है कि जिस समय मार्क्स ने कैपिटल लिखा, जिसका ऑब्जेक्ट था कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के गति के नियमों को संधान करना, उनकी खोज करना, उस समय कैपिटलिज्म दुनिया के बहुत छोटे हिस्से को कवर करता था, डेमोग्राफिकली भी और जियोग्राफिकली भी। जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज अच्छी तरीके से सुदृढ़ हो चुकी थी वो उंगलियों पर गिने जा सकने वाले देश थे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में अभी वो प्रोसेस चल रहा था, बिस्मार्क के बाद के दौर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद वो तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन हाँ, इन तीन यूरोपियन इकोनॉमीज और कुछ माइनर यूरोपियन इकोनॉमीज थी जैसे हॉलैंड था, इन जगहों पर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसोलिडेट हो चुका था। और इसके अलावा अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर कैपिटलिस्ट सिस्टम कंसोलिडेट हुआ था। लेकिन ये दुनिया का ज्योग्राफिकली और डेमोग्राफिकली बहुत छोटा सा हिस्सा था। दुनिया के बड़े हिस्से में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में या तो कॉलोनियल सिस्टम था या नियो कॉलोनियल सिस्टम था या सेमी फ्यूडल किस्म का कोई सिस्टम मौजूद था, वहां भी कैपिटलिज्म आया ही नहीं था। लेकिन ये मार्क्स का इनसाइट था कि उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का मोस्ट डायनेमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, नंबर वन, और नंबर टू, इट इज द फर्स्ट ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तब वो ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन बना नहीं था, लेकिन मार्क्स ने कैपिटलिज्म का जो तात्विक रुझाने थी, एलिमेंटल टेंडेंसीज और या फंडामेंटल टेंडेंसीज जो थी कैपिटलिज्म की, उसकी जो पहचान की, उसके आधार पे ये प्रोग्नोसिस, ये भविष्यवाणी आप कह सकते हैं, करने में मार्क्स समर्थ हुए कि उन्होंने बताया कि पूंजीवाद दुनिया का पहला ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। फ्यूडलिज्म ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं था, कई जगहों पर अलग किस्म के प्री कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन थे, उसके डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, पहला ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म बना। और 1945 से लेकर 1980s तक ये प्रक्रिया पूरी हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जबकि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में डीकोलोनाइजेशन की एक प्रोसेस चली। और डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस के साथ 1980s का अंत होते होते, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ दे जैसे नामीबिया जो कि बाद में स्वतंत्र हुआ, लेकिन इन एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो इन द मेन कैपिटलिज्म ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन बन चुका था। हालांकि ये जो तीसरी दुनिया, तथाकथित तीसरी दुनिया के देश थे, इनमें जो कैपिटलिज्म आया वो एक खास किस्म का कैपिटलिज्म था जिसको हम नाम देते हैं बिगुल ग्रुप की तरफ से सापेक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ उत्तर औपनिवेशिक पूंजीवाद, जिनका एक कॉलोनियल हिस्ट्री था। और कॉलोनियल हिस्ट्री की वजह से ग्लोबल कैपिटलिस्ट होड़ में ये देश 200 साल बाद एंटर करते हैं, और वहां पर इंपीरियलिज्म का जो लूट और का प्रेशर है वो उनके पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद बना रहता है। और इसकी वजह से यहां पर एक खास किस्म का कैपिटलिस्ट सोशल फॉर्मेशन अस्तित्व में आता है। लेकिन है ये कैपिटलिस्ट, ये इसके पिछड़ेपन की वजह से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये फ्यूडल, सेमी फ्यूडल या नियो कॉलोनियल है, या इसकी बुर्जुआजी जो है वो दलाल है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि अभी हम खैर इसके विस्तार में नहीं जा सकते, अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में ये प्रश्न आएगा तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि किस किस्म का पूंजीवाद है। तो पहला कारण ये है कि ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन तो कैपिटलिज्म लेट 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में बना है, और मार्क्स के कैपिटल में जिस दुनिया का विवरण दिया गया है, आज की दुनिया उस विवरण के ज्यादा करीब है बनिस्पत मार्क्स के समय की दुनिया। इसलिए यह पहला कारण है कि कैपिटल पहले हमेशा से आज ज्यादा रेलेवेंट है। दूसरा जो कारण है, जो मार्क्स ने एक तात्विक प्रवृत्ति बताई थी पूंजीवाद की, एलिमेंटल टेंडेंसी, वो थी सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल। बल्कि सही क्रम में बोले तो सेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी का संकेंद्रण
सघनीकरण और पूंजी का केंद्रीकृत होना। यह प्रवृत्ति आज मार्क्स के समय से कहीं ज्यादा आगे चली गई है, शायद मार्क्स अपने जीवन काल में जितना इमेजिन कर पाते उससे कहीं ज्यादा आगे चली गई है। हम सभी जानते हैं कि आज मुट्ठी भर ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और बड़े बड़े फाइनेंशियल ओलिगोपोलीज हैं, फाइनेंशियल मोनोपोलीज हैं, जो दुनिया को रूल कर रहे हैं। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, कार इंडस्ट्री 6 कार मोनोपोली, ऑटोमोबाइल मोनोपोलीज, वो पूरे कार मार्केट के लगभग 98% पे उनका कब्जा है। मार्क्स के टाइम में ऐसा नहीं था। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व पूंजी का सघनीकरण और पूंजी का केंद्रीकरण है, कॉन्सेंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन है, इसने भी मार्क्स की भविष्यवाणी को सिद्ध किया है। मार्क्स ने प्रिसाइसली यही बताया था कि यह होगा। तीसरा जो कारण जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि कैपिटल पहले से ज्यादा रेलेवेंट है, वो ये है कि मार्क्स ने जो बताया था कि पूंजीवाद जिन जिन समाजों में जड़ जमाएगा वहां पर वर्ग ध्रुवीकरण बढ़ता जाएगा। अब वो वर्ग ध्रुवीकरण आज कहां पहुंच चुका है इसका अंदाजा लगाइए। जब रूसी क्रांति हुई थी तो रूस में पेजेंट पॉपुलेशन जो थी, मिडिल पेजेंट और लोअर पेजेंट पॉपुलेशन, वो 86% थी, 86%। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन प्रोलेटेरियत 10.8% to 11% के बीच में थी और कैपिटलिस्ट क्लास और लैंडलॉर्ड क्लास 4% के बीच में था। यानी कि जो इंटरमीडियरी क्लास था, पेटी बुर्जुआ कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का या पेजेंट्स का जो क्लास था, वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी था। लेकिन आज क्या है, कुछ आंकड़ों पर निगाह डालते हैं। 1970 से 2008 के बीच में जो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है वहां पर ऐसे वर्कर्स, ऐसा सर्वहारा वर्ग जिसके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है या कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनकी संख्या 300 मिलियन से 500 मिलियन हो गई 1970 से 2008 तक। और जो डेवलप सो कॉल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड है, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहां पर 1970 से लेकर 2008 के बीच में जो सर्वहारा वर्ग है, जो वर्कर्स हैं, प्योरली वर्कर्स, उनकी संख्या 1.1 बिलियन से 3 बिलियन हो गई। जिसकी वजह से माइक डेविस, एक लेबर हिस्टोरियन है, उसने अपनी किताब प्लैनेट ऑफ स्लम्स में कहा है कि आज हम सही मायनों में एक मजदूरों की दुनिया में जी रहे हैं। भारत की स्थिति देख लीजिए, भारत में कल्टीवेटर पॉपुलेशन, यानी कि जो जमीन का मालिक किसान आबादी है, अभी हम जमीन का साइज छोड़ देते हैं, जोत का साइज क्या है, लेकिन जिसके पास कोई भी जमीन है, आखिरी जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके मुताबिक उसका प्रतिशत 27 से नीचे जा रहा है, 27%, 27% से नीचे है। इस 27% में से लगभग 86% हैं जिनके पास 1.25 हेक्टेयर से कम जमीन है और उनकी घर की अर्थव्यवस्था खेती से नहीं चलती है, वेज लेबर से चलती है, क्योंकि उनके पास एक छोटा सा प्लॉट है, उस पर वो लौकी, परवल, गोभी, जो भी उगाते हों, लेकिन उससे उनकी घर की इकोनॉमी नहीं चलती। उनके घर का एक लड़का नासिक के MIDC में जाकर काम करता है और दूसरा लड़का किसी बगल के गाँव में धनी किसान के खेत पर काम करता है, क्योंकि अपने गाँव में मजदूरी करना मराठा किसान को गवारा नहीं होता है ना, बेइज्जती की थोड़ी बात होती है उनके लिए, ये शानवान की जो अवधारणा होती है। खैर, लेकिन ये 27% लेनिन के शब्दों में सेमी प्रोलेटेरियत हो चुका है। और जो प्योर वर्कर्स हैं भारत में, अर्बन वर्कर्स 22 करोड़ और जो रूरल वर्कर्स हैं वो 33 करोड़। 55 करोड़ आबादी ऐसी है जिसके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कोई जमीन नहीं है। 27 करोड़ आबादी ऐसी है जिसके पास जो जमीन का टुकड़ा है वो अनसस्टेनेबल जोत है, वो लैंड होल्डिंग है, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। और जो बुर्जुआजी है उसका भी परसेंटेज 3-4% से बढ़ के 10-11% बुर्जुआजी, और उसका जो लैकी क्लासेस है, उसके पिछलग्गू क्लासेस जो है, अपर मिडिल क्लास, ये जो ठेकेदारों का, मिडिल मैन का, शेयर मार्केट के दलालों का, ट्रांसपोर्टरों का, धनी कुलक किसानों का वर्ग है, ये सब मिला दें तो 15% से 16% पहुंचता है। तो जो बीच का इंटरमीडिएरी क्लास था उसके एक्सपेंस पे जो दो पोल्स हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी के, वो क्लास जिसके पास मोनोपोली ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास, और जिस वो क्लास जो कि डुअली फ्री है। ये डुअली फ्री हमेशा डबल कोट्स में होता है, बहुत लोग डुअली फ्री को डबल कोट्स में नहीं रखने की वजह से बहुत गलत सलत नतीजों पर पहुंचते हैं। डुअली फ्री से मार्क्स का मतलब था कि सर्वहारा वर्ग दोहरे अर्थों में स्वतंत्र वर्ग इसलिए है क्योंकि वो अपनी श्रम शक्ति किसे बेचनी है ये वो तय कर सकता है, और दूसरा वो उत्पादन के साधनों के मालिकाने से फ्री है। तो इट्स अ सरकास्टिक टर्म, इट्स अ
मतलब ये एक व्यंग्यात्मक, एक आयरॉनिक टर्म है, इसको बहुत लोग लिटरली ले लेते हैं, तो वो कहते हैं कि भारत में अनफ्री लेबर है इसलिए कैपिटलिज्म नहीं है। उनको बताना पड़ेगा कि यूएस में सिविल वॉर के पहले पूरे सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में अनफ्री लेबर ही था, तो वो क्या था, वो फ्यूडलिज्म था क्या, प्लांटेशन इकोनॉमी, तो वो खैर कंफ्यूजन है, उसमें हम नहीं जा सकते अभी। तो ये जो तीसरा कारण है, ये जो क्लास पोलराइजेशन है, जैसा कि मार्क्स ने कहा था उसी तरीके से होता हुआ, अनफोल्ड होता हुआ, आप कह सकते हैं मार्क्स ने जो एलिमेंटल टेंडेंसी बताई थी वो हमारे सामने अनफोल्ड होते हुए हम देख सकते हैं उसको। चौथा जो कारण है वो है अनप्रेसिडेंटेड सोशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, समाजीकरण उत्पादन का, ये भी अभूतपूर्व है। मार्क्स ने जो ये एक अलग और एलिमेंटल टेंडेंसी कैपिटलिज्म की बताई थी, अब इस पर थोड़ा निगाह डालते हैं कि ये इसकी आज क्या हालत है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो सोशलाइजेशन है प्रोडक्शन का, वो राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण कर गया है, नेशनल बाउंड्रीज के पार चला गया है, जिसको आजकल ग्लोबल असेंबली लाइन कहा जाता है, कि एक नाइकी का जूता, उसका जो सोल है वो एक देश में बनता है, उसकी अपर बॉडी दूसरे देश में बनती है, उसका बकल तीसरे देश में बनता है, उसका शू लेसेस चौथे देश में बनता है, और ये सारे जाकर किसी पांचवें देश में असेंबल होते हैं। ये जो सोशल प्रोडक्ट एक है, कमोडिटी एक है, बट इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस बाउंड्री। तो ये सोशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ही है। सोशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से कई लोग ये समझते हैं कि फैक्ट्री बड़ी होती जाती है तो सोशलाइजेशन होता है। फैक्ट्री फ्लोर के साइज से सोशलाइजेशन का कोई रिश्ता नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साइज से सोशलाइजेशन का रिश्ता है। ये एक कमोडिटी का प्रोडक्शन कितने वर्कर्स मिलके कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई एक वर्कर भी नहीं कह सकता कि ये मोबाइल फोन मेरा है, राइट? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फिनिश्ड इन द हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल सेंस, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई वर्कर भी कह सके कि ये मेरे अकेले, ये मेरी अकेले की मेहनत की पैदावार है। तो ये जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सोशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहा मार्क्स ने जिसको। और पांचवा और आखिरी कारण, जो मैंने पांच कारणों की बात की, वो है मार्क्स के समय से लेकर आज तक, जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद चक्रीय आवर्ती क्रम से संकटों का शिकार होता रहेगा, ढांचागत संकटों का शिकार, और मार्क्स की मृत्यु से लेकर अब तक 25 से ऊपर रिसेशंस, और तीन या चार अलग अलग मानकों से आप अलग अलग नतीजों पर पहुंच सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आप आंकड़ों को पर्याप्त यातना दें तो उनसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है, इफ यू टॉर्चर अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंटली यू कैन मेक इट से एनीथिंग, लेकिन उसमें नहीं जाते हैं। अलग अलग मानकों से तीन या चार मेजर क्राइसिस से गुजर चुका है, 1887, 1929, 30, 1973, 2007-8। तो ये मार्क्स की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। ये बात सच है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मार्क्स के दौर से लेकर आज तक पूंजीवाद के काम करने के तौर तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पूंजीवाद के इस पूरे इतिहास में पूंजीवाद ने अलग अलग समय पर पूंजी संचय के अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जिसको आप कह सकते हैं रेजीम्स ऑफ एक्यूमुलेशन, अलग अलग किस्म की रेजीम्स ऑफ एक्यूमुलेशन अपनाई है। जैसे एक दौर था फोर्डिज्म का, जो फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी कि सारा रॉ मटेरियल एक जायंट दैत्याकार फैक्ट्री में एक एंड से घुसता था और दूसरी तरफ से फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता था, ये फोर्डिज्म का रेजीम ऑफ एक्यूमुलेशन था। आज पोस्ट फोर्डिज्म का दौर है, क्योंकि आईटी रेवोल्यूशन, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन ने कैपिटल को एक हंटर एंड गैदरर बना दिया है। हंटर एंड गैदरर ऑफ व्हाट? चीप लेबर एंड चीप रॉ मटेरियल। एक ही प्रोडक्ट का अगर एक हिस्सा सस्ते में इंडोनेशिया में बनता है तो वो हिस्सा इंडोनेशिया में बनेगा, दूसरा हिस्सा फिलीपींस में बनता है तो वो हिस्सा फिलीपींस में बनेगा, और तीसरा हिस्सा चाइना में बनता है तो चाइना में बनेगा। तो क्या कर रहा है कैपिटल? इट इज अ ग्लोबल हंटर एंड गैदरर ऑफ चीप लेबर एंड चीप रॉ मटेरियल। तो ये पोस्ट फोर्डिज्म का दौर है। लेकिन इन सब अलग अलग रेजीम्स ऑफ एक्यूमुलेशन और अलग अलग मोड्स ऑफ रेगुलेशन, जैसे कीन्सियन वेलफेयरिज्म का दौर था, 1973 से न्यू लिबरल मोड पैदा हुआ, जिसकी खासियत तीन थी, लेबर राइट्स पे हमला, फाइनेंशियलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन, जिसको हम लोग इकट्ठे बोल देते हैं और कई बार लोग बोलते हैं और मतलब नहीं समझते कि उसका मतलब क्या है, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन जिसको कहा जाता है। इसके ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, डीरेगुलेशन यानी कि सट्टेबाजी को पूरी छूट, श्रम अधिकारों पे हमला, और जिसको फ्लेक्सिबलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट कहा जाता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसका मतलब ये होता है कि सारे को ठेके पे रख दो, सबको डे वेजर बना दो, कोई परमानेंट जॉब नहीं। और तीसरा
इनफॉर्मलाइजेशन जो इसी से जुड़ा हुआ है, लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी से। तो ये और स्टेट का, कई लोग कहते हैं कि स्टेट अब नेशन स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, ये भी एक गलत बात है। नेशन स्टेट आज भी उतना ही इंटरवेंशनिस्ट है। फर्क एक ही है कि कीन्सियन वेलफेयरिज्म के दौर में वो सोशल स्पेंडिंग करके जनता के पक्ष में एक हद तक इंटरवीन कर रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी, और आज वो कॉरपोरेट्स के पक्ष में इंटरवीन कर रहा है। कौन कह सकता है स्टेट इंटरवेंशनिस्ट नहीं है, जबकि अमेरिका सब प्राइम कोलैप्स हुआ तो वहां कई ट्रिलियन डॉलर्स का स्टिमुलस पैकेज दिया गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मार्केट को आप तंग मत कीजिए, मार्केट शुड बी लेफ्ट ऑन इट्स ओन, अगर मार्केट को छेड़ा ना जाए तो मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम लाता है। तो भाई इक्विलिब्रियम लाता है तो लाने दो ना, स्टिमुलस पैकेज देके बैंक्स को क्यों बचा रहे हो, माल्या मोदी जैसों को क्यों बचा रहे हो। तो खैर वो अपने तरीके से हर चीज को डिफाइन करते हैं, लेकिन हाँ ये अलग अलग रेजिम्स ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मोड्स ऑफ रेगुलेशन को छोड़ भी दिया जाए तो कैपिटलिज्म की जो एलिमेंटल टेंडेंसीज हैं वो वही हैं। मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म का मतलब था प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू नंबर वन, दूसरा लॉ ऑफ एक्युमुलेशन यानी कि सरप्लस वैल्यू कैपिटलाइज होता है और वापस प्रोडक्शन में लगता है, जो मुनाफा पैदा होता है कैपिटलिस्ट वो सारा कैपिटलिस्ट खा नहीं जाता है, जिसको गोर्की ने अपनी कहानी अपनी किताब सिटी ऑफ येलो डेविल में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उसमें कहानी करोड़पति कैसे होते हैं, आप लोग में से जो युवा साथी हैं पढ़ेंगे काफ़ी आनंद आएगा आपको। उसमें वो एक बड़े पूंजीपति से मिलने जाते हैं गोर्की, तो वो सोचते हैं कि तो बहुत पैसे वाला आदमी है ये, खूब तंदुरुस्त मोटा तगड़ा बिल्कुल चमकते चेहरे वाला होगा। तो जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही बीमार किस्म का पतला दुबला सा बूढ़ा आदमी टेबल के उस तरफ बैठा है, उसका एक सेक्रेटरी उसको वक्त वक्त पे डिप्रेशन की कभी एंजाइटी की कभी कुछ दवाएं दे रहा है, वो खाने से ज़्यादा दवाइयां खा रहा है। तो गोर्की पूछते हैं भाई आप इतना पैसा कमाते हैं फिर आप क्या करते हैं, तो वो कहता है वो फिर मैं पैसे से और पैसा कमाता हूँ। तो गोर्की कहते हैं जब आप पैसे से और पैसा कमा लेते हैं तो उससे क्या करते हैं, बोलते हैं अजीब सवाल है, उससे फिर मैं और पैसा कमाता हूँ। गोर्की उसको पागल समझते हैं और वो गोर्की को पागल समझता है, क्योंकि दोनों दो दुनिया के निवासी होते हैं। जिसको गोर्की ने अपनी एक कहानी बुढ़िया इजरगिल में कहा है कि एक पूंजीवादी समाज में लोग सारी जिंदगी जीने की तैयारी में बिता देते हैं, जीने की तैयारी करते करते ही सारी जिंदगी बीत जाती है, पहले अच्छी एजुकेशन फिर अच्छी नौकरी फिर अपना घर फिर शादी फिर बच्चे फिर बच्चों को हार्वर्ड में पढ़ाना, और एक दिन वो मर जाता है यही करते करते, जिंदगी जी नहीं पाता है मतलब जीने की तैयारी में, और उसके बच्चे भी फिर यही करते हैं। तो ये जो पूरी चीज होती है इसी को मतलब गोर्की ने अपनी कहानी में दिखाया। बहरहाल मुद्दे की बात ये कि कैपिटलिज्म में अलग अलग फेनोमिनल फॉर्म्स जो है इसके, फोर्डिज्म से लेकर पोस्ट फोर्डिज्म तक, वेलफेयरिज्म से लेकर न्यू लिबरलिज्म तक, ये अलग अलग फेनोमिनल फॉर्म्स हैं, लेकिन इसके नीचे का एसेंस सेम है। सरप्लस प्रोडक्शन का, सरप्लस वैल्यू का प्रोडक्शन, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, सापेक्षिक दरिद्रीकरण मजदूर वर्ग का, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं मार्क्स ने थ्योरी दी थी कि मजदूर वर्ग निरपेक्ष रूप से दरिद्र होता जाएगा, वो कहीं नहीं दिखा पाते हैं मार्क्स ने कहां लिखा है। मार्क्स ने हमेशा रिलेटिव इंपॉवरिशमेंट ऑफ वर्किंग क्लास की बात की है, जिसका मतलब ये होता है कि जो टोटल वैल्यू जनरेशन होता है उसमें प्रॉफिट का शेयर बढ़ता जाता है और वेज का शेयर घटता जाता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब वर्कर्स की रियल वेजेस बढ़ रही हैं, तब भी हो सकता है। रियल वेजेस और वैल्यू ऑफ लेबर पावर में भी फर्क होता है। रियल वेजेस ये होता है कि जो बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स उसके वेतन से आता है उसको रियल वेज बोलते हैं। हो सकता है कि 500 रुपए में वो पहले 10 किलो दाल खरीद रहा था, आज वो 1200 रुपए में खरीदे, तो वेजेस नॉमिनली बढ़ गई लेकिन रियल वेजेस सेम रही, स्टैग्नेंट रही। तो ये रियल वेजेस है। रियल वेजेस मतलब द बास्केट ऑफ पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड्स दैट द वर्कर कैन बाय, मतलब वो उपभोक्ता सामग्रियों की टोकरी जो कि अपने मजदूरी के साथ मजदूर खरीद सकता है। लेबर पावर की वैल्यू घट सकती है और तब भी रियल वेज बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम इन इंट्रिकेसीज में नहीं जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि कैपिटलिज्म जो है वो अपना शीथ होता है ना, म्यान बदलती रहती है, तलवार वही रहती है, और इस तलवार को पहचानने का काम मार्क्स ने किया। जो एलिमेंटल और फंडामेंटल टेंडेंसीज है कैपिटलिज्म की उसको पहचाना, और वो आज भी वही है, और इसीलिए मार्क्स की जो प्रोग्नोसिस है संकट को लेकर, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल को लेकर, पोलराइजेशन को लेकर, मोनोपोलाइजेशन को लेकर, वो आज सही साबित हो रही है। तो ये तो मतलब इस पर बात होगी कि मार्क्स की कैपिटल को ज्यादा रेलेवेंट क्यों आज देखा जा सकता है, माना जा सकता है। मैं चाहता था कि मैं मार्क्स के इकोनॉमिक थॉट के जो डेवलपमेंट के अलग अलग दौर रहे हैं उन पर भी बात करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त
उसकी इजाजत नहीं देता। बस संक्षेप में ये बता सकते हैं कि मार्क्स का जो आर्थिक सिद्धांत था उसके विकास के मुख्यतः तीन दौर थे। एक को आप कह सकते हैं जो कि मार्क्स के यूनिवर्सिटी में प्रवेश यानी कि 1830 के दशक का उत्तरार्ध से लेकर 1848 के रेवोल्यूशंस तक था, जो फ्रांस में हुआ और कई देशों में और भी हुआ, उस दौर तक था। उस दौर में मार्क्स अभी खुद इकोनॉमिक सेंस में अभी मार्क्सिस्ट नहीं बने थे, हालांकि मार्क्स एक रेवोल्यूशनरी बन चुके थे और हेगेल की फिलॉसफी का क्रिटिक कर रहे थे, उनके डायलेक्टिक्स को एनरिच कर रहे थे और फायरबाग के मटेरियलिज्म का क्रिटिक कर रहे थे, क्योंकि वो मैकेनिकल मटेरियलिज्म था, जिसको मार्क्स जिसको कहा करते थे कंटेम्पलेटिव मटेरियलिज्म, उसका क्रिटिक कर रहे थे और मटेरियलिज्म को भी विकसित कर रहे थे। और इस दोनों क्रिटिक के सिंथेसिस से डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विश्व दृष्टिकोण को विकसित कर रहे थे। ये वो दौर था। 1848 के रेवोल्यूशंस और खासतौर पर जून इंसरेक्शन जो मजदूरों ने फ्रांस में किया, उसके कुचले जाने के बाद और 1850s का जो क्राइसिस था 56-57 में, उसके बावजूद क्रांतियों का कोई चक्र न शुरू होने पे मार्क्स ने यह समझा कि अभी उनको कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के आर्थिक क्रियाकलाप जो है, उसके काम करने का जो पूरा तरीका है, उसको समझने के लिए और गंभीर अध्ययन की जरूरत है। और मार्क्स में ये बात उनके दिमाग में लाने में एक योगदान लासाल का और एंगेल्स का भी था। एंगेल्स पहले से इकोनॉमिक स्टडी कर रहे थे कैपिटलिज्म की, क्योंकि वो मैनचेस्टर में थे और उन्होंने कंडीशन ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास किताब लिखी थी, कैपिटलिज्म के नतीजों को देख रहे थे कि मजदूरों के जीवन पे, जीवन दशा पे उसका क्या असर पड़ रहा है। तो उनके प्रोत्साहन पे मार्क्स ने सीरियसली इकोनॉमिक स्टडी की शुरुआत की। और 1850 जब वो लंदन में चले जाते हैं और उस समय से लेकर 1867 जब कैपिटल पब्लिश होता है, ये 17 साल मार्क्स के गहन आर्थिक अनुसंधान का वक्त था, जिसमें एरिस्टोटल के इकोनॉमिक थॉट से लेकर रिकार्डो जो उस समय का सबसे डेवलप्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था, उसके थॉट्स को आप कह सकते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज करना और उसके क्रिटिक के तौर पे एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल इकोनॉमी डेवलप करना, ये मार्क्स करते हैं, जिसका नतीजा कैपिटल वॉल्यूम 1 के पब्लिकेशन में सामने आता है 14 सितंबर 1867 में। और 1873 में क्राइसिस, मेजर क्राइसिस स्टार्ट होता है यूरोप में, जो कि कैपिटल में जो जो बातें मार्क्स ने कही थी, जो जो प्रोग्नोसिस किया था, उसको एक एक करके पुष्ट करता है। उसी दौर में मार्क्स कैपिटल के बाकी दो वॉल्यूम्स जो उनकी इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट थी उस पर भी काम करते रहे। इसी दौर में मार्क्स तमाम किस्म के जो उनके ऊपर हमले हो रहे थे, इंटेलेक्चुअल हमले, जिसमें कई हमले पर्सनल स्लैंडर के हद तक थे, मतलब निजी कुत्सा प्रचार के हद तक थे, जैसे हर वोग्ड का जो उन्होंने जवाब दिया, ये सब उनको डिस्टर्ब भी कर रहा था बीच बीच में, जो रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशनरी थॉट पे जो हमले हो रहे थे उनका जवाब देना एक रेवोल्यूशनरी के तौर पे मार्क्स का फर्ज था। मार्क्स ने एक बार कहा था, टू लीव एन एरर अनरिफ्यूटेड इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, किसी गलती को बिना खंडन के छोड़ देना बौद्धिक बेईमानी है। तो मार्क्स की ये सोच थी, इसलिए वो इन सब कामों में भी लगे रहे। और आखिरी दौर में वो जो ओरिएंटल सोसाइटीज थी उनको भी स्टडी कर रहे थे, रशियन सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, रशियन लैंग्वेज सीख रहे थे अपने लाइफ के आखिरी दिनों में। और जब 1883 में मार्क्स मरते हैं, उसके ठीक पहले ब्रिटेन एक मेजर स्लंप में एंटर करता है, एक बार फिर से एक मंदी में एंटर करता है, जो कि मार्क्स के प्रोग्नोसिस को एक बार फिर से विंडिकेट करता है, सही साबित करता है, जस्टिफाई करता है। और मार्क्स शांति से अपनी आर्म चेयर में मौत की गोद में जाते हैं। तो ये अलग अलग फेजेस थे मार्क्स के, इसके और डिटेल में जाने का मन था लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं। लेकिन अब ये ज्यादा प्रमुख बात है कि हम इस पे बात करें कि मार्क्स की मेजर डिस्कवरीज क्या थी। बहुत सारी थी, लेकिन इकोनॉमिक थॉट के एरिना में उनकी मेजर डिस्कवरीज को तीन अंतर संबंधित लॉज से समझा जा सकता है। वो इंटरकनेक्टेड थियोरीज हैं तीन। पहला है लॉ ऑफ वैल्यू, दूसरा है लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ टेंडेंशियल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, जिसको मैं LTFRP बोलूंगा, क्योंकि हर बार इतना लंबा बोलना बहुत मुश्किल है। लॉ ऑफ टेंडेंशियल फॉल इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, LTFRP। ये तीन लॉज थे। लॉ वैल्यू को स्टडी एडम स्मिथ भी कर रहे थे, रिकार्डो भी कर रहे थे, लेकिन मार्क्स ने जो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू दी वो दो वजहों से रिकार्डो की लेबर थियरी ऑफ वैल्यू से ज्यादा विकसित थी। उसका पहला कारण ये था कि रिकार्डो और उससे पहले तक के पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ये नहीं समझ पाए थे कि कैपिटलिस्ट लेबर नहीं खरीदता है, वो लेबर पावर खरीदता है। लेबर पावर खुद एक कमोडिटी बन जाती है
और लेबर पावर खरीदने के बाद कैपिटलिस्ट उस लेबर पावर के एग्जॉस्ट होने तक मजदूर को काम करने के लिए बाध्य कर सकता है। वो उसका सरल शब्दों में कहें तो वो काम करने का दिन खरीद लेता है। उसका वो दिन क्लास स्ट्रगल के बैलेंस ऑफ फोर्सेस के मुताबिक कभी 16 घंटे हुआ करता था, फिर 12 घंटे, फिर 8 घंटे कानूनी तौर पे हुआ, और अब फिर से इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ते बढ़ते 10, 12 और 14 घंटे हो रहा है। तो वो वैरी करता है, लेकिन हाँ वो लेबर पावर खरीदता है जिसके एक हिस्से में, जिसको उस पूरे टोटल लेबर टाइम जो है एक दिन का, उसके एक हिस्से में मजदूर अपने लेबर पावर की वैल्यू, जो कि अपने आप को मजदूरी के रूप में अभिव्यक्त करती है, वेजेस के रूप में अभिव्यक्त करती है, मनी टर्म्स में मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त करती है, वो रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि वो उतनी वैल्यू एक हिस्से में पैदा करता है जितनी वैल्यू उसके लेबर पावर की है। फॉर्मुलेक स्टेटमेंट में कहें तो ही रिप्रोड्यूसेस द वैल्यू ऑफ हिज लेबर पावर इन नेसेसरी लेबर टाइम, इसको मार्क्स ने कहा आवश्यक श्रम काल। और दूसरा जो हिस्सा बचता है वो बचता है जिसमें कि वो एज ग्रेटिस मुफ्त में पूंजीपति के लिए, यानी कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन का स्वामी है उसके लिए वो सरप्लस वैल्यू पैदा करता है। ऐसा पहले भी होता था जब सरप्लस प्रोडक्ट पैदा होता था, क्योंकि क्लास सोसाइटी में हमेशा सरप्लस एक्सट्रैक्शन होगा, बिना सरप्लस के क्लास सोसाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि क्लास रूल और स्टेट इनका अस्तित्व असंभव हो जाएगा, क्योंकि शासक वर्ग के पास अपने शासन के साधन भी नहीं होंगे और उसके पास अपने जीविकोपार्जन के साधन भी नहीं होंगे। और शासक वर्ग एक पैरासिटिक क्लास होता है जिसने अपने आप को लेबर से काट लिया है, वो एक स्पेशलाइज्ड क्लास है रूल के लिए और प्रोडक्शन को ओन करने के लिए, वैल्यू जो जनरेट हो रही है उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए। इसके हर क्लास सोसाइटी में सरप्लस एक्सट्रैक्शन होता है। कैपिटलिज्म में फर्क क्या था? फ्यूडलिज्म के दौर में या किसी भी प्री कैपिटलिस्ट स्लेवरी के दौर में, किसी भी प्री कैपिटलिस्ट सोशल फॉर्मेशन के दौर में जो यह अनिवार्य श्रम काल था, और जो क्या बोलेंगे उसको अतिरिक्त श्रम काल था, नेसेसरी लेबर टाइम था, और जो सरप्लस लेबर टाइम था, ये टाइम एंड स्पेस में अलग अलग था। जैसे कि एक बंधुआ मजदूर अपने प्लॉट पे, या एक सर्फ भूदास अपने प्लॉट पे 3 दिन हफ्ते के काम करता है और बाकी 3 दिन जाके वो फ्यूडल लॉर्ड के खेत में काम करता है, तो वो 3 दिन जो वो फ्यूडल लॉर्ड के लिए पैदा कर रहा है वो टाइम एंड स्पेस में अलग है, इसलिए दिख रहा है कि वो 3 दिन अपने लिए काम कर रहा है और 3 दिन अपने फ्यूडल लॉर्ड के लिए काम कर रहा है। या जो स्लेव था वो तो खुद ही उसका पूरा लाइफ टाइम ही मतलब ओन प्रॉपर्टी बन चुका था, पूरा स्लेव का लाइफ ही एक प्रॉपर्टी बन चुका था, प्राइवेट प्रॉपर्टी स्लेव ओनर्स का, तो वो तो पूरे टाइम ही अपने स्लेव ओनर के लिए काम करता था। जो सरप्लस लेबर टाइम और जो नेसेसरी लेबर टाइम था उसके बीच का अंतर क्या था? एपरेंट था, आपको सीधे नंगी आंखों से दिखता था कि क्या नेसेसरी लेबर टाइम है जब वो अपने जीविकोपार्जन के साधन पैदा करता है प्रोड्यूसर, और कौन सा सरप्लस लेबर टाइम है। ये कैपिटलिज्म में नहीं हुआ। कैपिटलिज्म में एक होमोजीनियस लेबर टाइम होता है, और एक होमोजीनियस लेबर टाइम के बदले में वर्कर को क्या मिलती है? वेज। वेज क्या है? वेज प्राइस ऑफ अ डेज लेबर, एक दिन के श्रम की कीमत, दिखने में ऐसा लगता है, जिसको हम कहते हैं ना कि मालिक ने मजदूर को उसकी मेहनत का मोल दिया, अगर उसको मेहनत का मोल दे दिया तो उसका मुनाफा कहां से आ रहा है मालिक का, तो वो दिखता है। इसीलिए वेज फॉर्म और वैल्यू फॉर्म जिसको बोला जाता है, मूल्य का रूप और ये जो मजदूरी का स्वरूप है, ये उस एक्सप्लॉयटेशन को छिपा देता है। मार्क्स का ये रियलाइजेशन कि जो बिक रहा है वो लेबर नहीं है बल्कि जो बिक रहा है वो लेबर पावर है, उनको ये समझने में समर्थ बनाता है कि एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स क्या है, प्रॉफिट का सोर्स क्या है, और वो सोर्स है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पावर। दूसरी चीज जो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू जो मार्क्स ने पेश की, उसमें रिकार्डो के ऊपर एडवांसमेंट था, वो था कॉन्क्रीट लेबर और एब्स्ट्रैक्ट लेबर में फर्क करना, मूर्त श्रम और अमूर्त श्रम में फर्क करना। श्रम एक ही है लेकिन उसका एक डायमेंशन है जहां पे हम देख सकते हैं कि वो श्रम अलग अलग किस्म का श्रम है। एक बढ़ई है, वो ये पोडियम बनाता है, तो ये एक पर्टिकुलर स्किल है, एक पर्टिकुलर किस्म का लेबर है, एक पर्टिकुलर किस्म का कॉन्क्रीट लेबर है जो एक पर्टिकुलर किस्म की यूज वैल्यू पैदा करता है। इस पोडियम पे खड़ा होकर मैं बोल सकता हूं ये इसकी पर्टिकुलर यूज वैल्यू है। और एक है कि किसी भी किस्म का श्रम एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कॉन्क्रीट फॉर्म, अपने मूर्त रूप से निरपेक्ष हर किस्म का श्रम क्या होता है? मार्क्स के शब्दों में कहें तो ह्यूमन माइंड नर्व्स और मसल्स का एक्सपेंडिचर, जहां पर
वो किसी भी मूर्त श्रम के रूप में हम उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि इन जनरल मानवीय श्रम के खर्च होने के तौर पे देख रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट लेबर है जो वैल्यू पैदा करता है। श्रम अगर आप देखेंगे तो वो यूज वैल्यू पैदा करता है, वो हर प्रोडक्ट का एक जो पर्टिकुलर यूटिलिटी है उसकी खास उपयोगिता है वो पैदा करता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट लेबर, सिंपल एब्स्ट्रैक्ट लेबर इन जनरल जिसको बोला जाता है, वो वैल्यू पैदा करता है। और ये वैल्यू ही यही वो चीज है जो दो कमोडिटीज जो पूरी तरीके से अतुलनीय है, इनकमेंशरेबल है, उनको विनिमय के योग्य बनाती है, है ना। जब विनिमय शुरू हुआ, जब मुद्रा नहीं थी तब भी विनिमय होता था, कोई दूध दूहता था, कोई कपड़ा बनाता था, कोई फसल पैदा करता था, तो आपस में सीधे कमोडिटीज का एक्सचेंज करते थे। ये एक्सचेंज रिपीट होते होते जिस दौर की जो भी प्रिंसिपल कमोडिटी थी वो यूनिवर्सल कमोडिटी टाइप बन गई, और वो यूनिवर्सल कमोडिटी का स्वरूप आगे चल के मुद्रा का रूप लेता है। सबसे पहले मुद्रा के रूप में, जैसे भारतीय प्राचीन जो एविडेंसेज हैं उसके हिसाब से, एक टाइम में गाय यूनिवर्सल कमोडिटी थी जिसको किसी भी चीज से एक्सचेंज किया जा सकता था, लेकिन चूंकि गाय नश्वर है, वो 20 साल बाद मर जाएगी या 25 साल बाद, इसलिए वो मुद्रा की भूमिका निभाने के लिए सही नहीं थी। उसकी जगह फिर धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने मनी फॉर्म डेवलप किया, और वो अपने कंप्लीशन, अपनी पूर्णता पे तक कब पहुंचता है, जब मेटेलिक करेंसी आती है, और उसमें भी अपनी पूर्णता पे कब पहुंचता है, जब गोल्ड और सिल्वर करेंसी के रूप में आते हैं। उसके बाद फिएट करेंसी भी आती है जिसको फिएट करेंसी बोला जाता है, यानी कि मनी कमोडिटी की जगह सिंबल ऑफ मनी कमोडिटी लेते हैं, पेपर नोट वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हम उतने उसमें नहीं जाते हैं। मेन चीज ये है कि मनी क्या करता है, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू जो है उसके बीच के कंट्रडिक्शन को रिजॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए जब प्रोडक्शन डेवलप होगा तो एक्सचेंज कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा ना, मुझे इन, मान लीजिए इनके कमोडिटी की जरूरत है, इनको त्रिशूल की कमोडिटी की जरूरत है, त्रिशूल को बबन की कमोडिटी की जरूरत है, तो एक्सचेंज कैसे होगा। तो कोई एक यूनिवर्सल कमोडिटी होनी चाहिए जिससे कि मैं इनके सामान को खरीद लूं, उसके बदले में मैंने पैसा दे दूं, ये उस पैसे से कुछ भी खरीद ले। यूनिवर्सल कमोडिटी क्या है, विच इज यूनिवर्सली एक्सचेंजेबल, जैसे रुपये को आप किसी भी चीज से एक्सचेंज कर सकते हो, खरीद सकते हो उससे। तो ये यूनिवर्सल कमोडिटी क्या करती है, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के कंट्रडिक्शन को रिजॉल्व करती है, क्योंकि अलग अलग किस्म की यूज वैल्यूज एक्सचेंज तभी हो सकती है प्रोडक्शन के डेवलप होने के साथ जब कोई यूनिवर्सली एक्सचेंजेबल कमोडिटी यानी मनी मुद्रा हो। तो मार्क्स बताते हैं कि किस तरीके से मनी, चूंकि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू फॉर्म है ना, ये अपने आप में वैल्यू है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर बन जाता है, एक स्वतंत्र कारक बन जाता है, और यहीं से पहली बार यूजरी कैपिटल, कॉमर्शियल कैपिटल, मनी की होल्डिंग स्टार्ट होती है। लेकिन जब यूजरी कैपिटल यानी सूदखोर की पूंजी या वाणिज्यिक पूंजी आती है, तो अभी उसने पूरे प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, सब्ज्यूम नहीं किया है, अभी उसने पूरे प्रोडक्शन में प्रवेश नहीं किया है। एक सूदखोर पैसा देता है, इंटरेस्ट लगाता है, और इंटरेस्ट लग के उसको ज्यादा पैसा वापस मिलता है। उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे भी होता हो उसको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ज्यादा पैसा लौटता है, तो सूदखोर को या दुकानदार को यह लगता है कि मैंने कुछ खरीदा और उसको उससे ज्यादा दाम पे बेचा, यही से प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसा दिखता है कि प्रॉफिट जो है, ये जो मुनाफा है वो सर्कुलेशन में पैदा हो रहा है, एक्सचेंज में, लेकिन ये मुनाफा सर्कुलेशन में नहीं पैदा होता है बल्कि प्रोडक्शन में पैदा होता है। किस चीज से, एब्स्ट्रैक्ट लेबर, जो अमूर्त श्रम का मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। दूसरे, एब्स्ट्रैक्ट लेबर कौन सा, विच इज सोशली नेसेसरी। जैसे मेरा एब्स्ट्रैक्ट लेबर, मान लीजिए मैं भी वॉच मेकर हूं, अभिजीत भी वॉच मेकर है, मैं एक वॉच 3 घंटे में बनाता हूं और ये 8 घंटे में बनाते हैं, तो इनकी वॉच ज्यादा महंगी नहीं होगी। तो वो सोशली इंडिविजुअली, इंडिविजुअल एब्स्ट्रैक्ट लेबर से नहीं होता है, बल्कि सामाजिक रूप से आवश्यक अमूर्त श्रम से होता है, जिसको लेबर टाइम में नापा जाता है। यही मार्क्स की लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। इस लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि मार्क्स के पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी का ये फाउंडेशन है, कैपिटलिज्म को समझने का ये फाउंडेशन है, लॉ ऑफ वैल्यू। एक लाइन में कहें, इट इज लेबर दैट क्रिएट्स वैल्यू। वेल्थ के दो सोर्स होते हैं, लेबर और नेचर, लेकिन वैल्यू का एक ही सोर्स होता है लेबर। बिना लेबर के वैल्यू नहीं पैदा हो सकती है। ये लॉ ऑफ वैल्यू ही है जो डिटरमाइन करता है कि कमोडिटीज, अलग अलग जो माल हैं, वस्तुएं हैं, वो उनके विनिमय का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, उनके एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करता है। दूसरा, वो अलग अलग सोसाइटी के जो उत्पादन की शाखाएं हैं,
प्रोडक्शन के ब्रांचेस हैं उसमें किस ब्रांच में कितना लेबर लगेगा इसको वो डिटरमाइन करता है। जैसे कि आज मान लीजिए कि मैं एक पूंजीपति हूँ, मैंने किसी भी चीज़ में सपोज इन्वेस्ट किया, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया, और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में उसके बाज़ार में अगर प्रॉफिट रेट नीचे जाता है और कैमरा के मैन्युफैक्चर में ऊपर जाता है तो मैं अपने सरप्लस का कैपिटल का एक पार्ट डाइवर्ट करूंगा उस सेक्टर में जहां पे प्रॉफिट रेट ज़्यादा है। तो प्रॉफिट रेट ज़्यादा कम जो होता है ये तो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू से ही तय होता है क्योंकि वैल्यू लेबर से ही पैदा होती है। तो ये जो कैपिटल का फ्लो है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, एक ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन में, ये लेबर थियरी ऑफ वैल्यू से ही डिटरमाइन होता है। तो कैपिटलिज्म का जो बेसिक पूरा मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए ये सबसे बुनियादी चीज़ है, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, और ये मार्क्स का पहला मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था। दूसरा जो मेजर डिस्कवरी है मार्क्स की वो है लॉ ऑफ एक्युमुलेशन। मार्क्स बताते हैं कि जो सरप्लस पैदा होता है उसको पूंजीपति खाता नहीं है बल्कि उसको वापस इन्वेस्ट करता है। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक है विभिन्न पूंजीपतियों के बीच का स्ट्रगल, कंपटीशन जो मार्केट में होता है, और दूसरा जिसको बोलते हैं उत्पादन से जुड़ा हुआ संघर्ष, स्ट्रगल ओवर प्रोडक्शन, जो कि फैक्ट्री के भीतर होता है मजदूर और पूंजीपति के बीच में। मजदूर चाहता है कि जो टोटल वैल्यू जनरेट हो रही है उसमें वेजेस का शेयर ज़्यादा हो, और कैपिटलिस्ट चाहता है कि प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा हो। वो स्ट्रगल पहले काम के घंटों को कम करने के लिए होता था। ये वो दौर था जब पूंजीपति सरप्लस लेबर टाइम को कैसे बढ़ाते थे, क्योंकि सरप्लस लेबर टाइम में ही सरप्लस वैल्यू पैदा होती है, तो सरप्लस लेबर टाइम को वो कैसे बढ़ाते थे, पूरे काम के घंटे को ही बढ़ाते। इसको मार्क्स ने कहा एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, यानी कि पूरे काम के घंटे को ही बढ़ा के सरप्लस को ज्यादा किया। दूसरा, जब आगे वर्किंग क्लास के स्ट्रगल की वजह से यह संभव नहीं रह गया तो एक दौर आता है मैकेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, जिसको मार्क्स कहते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट होने के साथ रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, यानी कि काम के घंटे 8 हैं, मजदूर पहले 4 घंटे में अपने लेबर पावर की वैल्यू रिप्रोड्यूस कर लेता था, लेकिन मैकेनाइजेशन की वजह से वो मजदूर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लेबर की और वो 2 घंटे में ही पैदा कर लेता है। तो कुल काम के घंटे 8 रहे लेकिन मजदूर अपने लिए 2 घंटे काम करता है और पूंजीपति के लिए 6 घंटे काम करता है। तो यह है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। तो रिलेटिव सरप्लस वैल्यू का दौर जब आ जाता है तो उसके साथ और उसके पहले भी कैपिटलिस्ट जो है वो सरप्लस वैल्यू को कैपिटलाइज करता है। जो उसने मुनाफा कमाया वो सारा उसका खा नहीं जाता है, अपनी अय्याशी या ऐशो आराम पे नहीं खर्च करता बल्कि उसको लगाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको दूसरे पूंजीपतियों से मार्केट में कॉम्पीट करना होता है। ये कॉम्पिटिशन किस चीज़ के लिए होता है? प्राइस कॉम्पिटिशन। जिसके कमोडिटी का वैल्यू कम होगा, प्राइस कम होगा, उसकी कमोडिटी ज़्यादा बिकेगी। अगर मुझे सेम कॉन्फिग्रेशन का 6 GB रैम का फ़ोन सैमसंग का 30,000 में मिलता है और ओप्पो का 27,000 में मिलता है तो सैमसंग की चूंकि ब्रांड वैल्यू है तो इसलिए एक क्लास सैमसंग खरीदेगा, लेकिन मास स्केल पे जिसकी वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा बिकेगा। तो इसलिए प्राइस कंपटीशन में आप कब पीट सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर को? जब आप एडवांस्ड मशीनरी लगाएं, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, क्योंकि तब पर यूनिट कॉस्ट घट जाएगी। कमोडिटी के एक कमोडिटी की इकाई पे जितनी लागत लगेगी वो घट जाएगी, और जब कम लागत होगी तो वो कम प्राइस पे पूंजीपति बेच सकता है और अपने कॉम्पिटिटर को पीट सकता है मार्केट में। इसलिए मैकेनाइजेशन करना कांस्टेंट कैपिटल, यानी कि मशीनरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रॉ मटेरियल पे अपने निवेश को बढ़ाना एक पूंजीपति की मजबूरी होती है। मिडिल क्लास के कई नौजवान कई बार सोचते हैं जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं या लेकिन जिनका दिल अच्छा होता है वो सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं पूंजीपति बनूंगा लेकिन मैं अच्छा पूंजीपति बनूंगा, मैं जो है वर्कर्स को काम से निकालूंगा नहीं, मैं सारे वर्कर्स को काम पे रखूंगा। तो कोई आपसे बड़ा पूंजीपति आपको खा जाएगा मार्केट में। अगर आपको जिंदा रहना है कैपिटलिस्ट के तौर पर तो यू हैव टू मैकेनाइज, यू हैव टू एक्युमुलेट कैपिटल, यू हैव टू कैपिटलाइज सरप्लस वैल्यू। इसलिए कहा जा सकता है कि पूंजीपति पूंजी की सवारी नहीं करता है, पूंजी पूंजीपति की सवारी करती है। तो इसलिए यह है लॉ ऑफ एक्युमुलेशन कि यह लगातार होगा, और चूंकि लगातार कांस्टेंट, यहीं से तीसरा लॉ निकलता है LTFRP, लॉ ऑफ टेंडेंशियल फॉल इन द रेट ऑफ प्रॉफिट। चूंकि कांस्टेंट कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल क्या है? मशीनरी, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर। यह भी क्या है? यह डेड लेबर है, डेड ऑब्जेक्टिफाइड लेबर। क्योंकि मशीनरी कैपिटलिस्ट मार्केट में खरीदता है तो उसको बस वो खरीदना दिखता है, लेकिन वो मशीनरी बनाई तो वर्किंग क्लास ने है, किसी और फैक्ट्री में बनाई है ऑब्वियसली,
लेकिन वो बनाई उसी ने है। तो ये क्या है, डेड ऑब्जेक्टिफाइड लेबर। तो उसका डेड लेबर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और लिविंग लेबर पे इन्वेस्टमेंट घटता है। ये जो कोट है, कैपिटल इज डेड लेबर विच वैम्पायर लाइक लिव्स ओनली बाय सकिंग लिविंग लेबर एंड लिव्स द मोर लेबर इट सक्स। ये लॉ ऑफ एक्युमुलेशन की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, मार्क्स का लिटरेरी जीनियस है। लेकिन इसका मतलब यही है कि डेड लेबर पे जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लिविंग लेबर पे रिलेटिवली कम होगा, एब्सोल्युटली बढ़ सकता है लेकिन रिलेटिवली कम होगा, यानी कि तुलना में डेड लेबर का रिलेटिव पोर्शन बढ़ेगा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और लिविंग लेबर का घटेगा। लेकिन चूंकि लिविंग लेबर ही वैल्यू पैदा कर सकता है और चूंकि कैपिटल एक्युमुलेशन के नियम की वजह से डेड लेबर पे इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली बढ़ेगा और लिविंग लेबर पे घटेगा, इसलिए रेट ऑफ प्रॉफिट गिरेगा इन द लॉन्ग रन। हर वक्त नहीं, इन द लॉन्ग रन गिरेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्युलर टेंडेंसी ऑफ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ प्रॉफिट। सेक्युलर मतलब लॉन्ग टर्म। सेक्युलर टेंडेंसी जो डिक्लाइन ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट है, ये अपने आप को असर्ट करता है और 1810 में जो फर्स्ट रिकॉर्डेड क्राइसिस है कैपिटलिज्म का, से लेकर 2010, 200 साल के इस पूरे इतिहास में जितने क्राइसिस आए हैं उन सब के पीछे प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइसिस है। प्रॉफिट रेट्स नीचे जाते हैं तो कैपिटलिस्ट क्या करता है, इन्वेस्ट नहीं करता है प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्यों इन्वेस्ट करेगा। वो उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय सट्टेबाजी में लगाता है, शेयर मार्केट में, है ना, स्पेक्युलेशन में लगाता है। इसी की वजह से फाइनेंशियलाइजेशन होता है, वित्तीयकरण जो होता है, सट्टेबाजी की इकोनॉमी डोमिनेट करने लगती है प्रोडक्टिव इकोनॉमी को। लेकिन इसका रीजन वही है कि प्रोडक्टिव इकोनॉमी में रेट ऑफ प्रॉफिट नीचे चला जाता है। यही है LTFRB। ये तीन लॉज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि मार्क्स के तीन बेसिक लॉज, जिसमें आप मार्क्स के इकोनॉमिक थॉट का, उनके आर्थिक चिंतन का जो क्रक्स है, जो उसका, उसको आप समझ सकते हैं। और बहुत कुछ है, मतलब मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और बहुत नटशेल में ले आ रहा हूँ सारी चीज़ को, इसलिए मेरा मकसद यहाँ मतलब एकदम से एनलाइटन कर देना नहीं है, वो तो मैं अभी खुद ही पूरी तरह से नहीं हुआ हूँ। मेरा मकसद इतना है कि मैं आप लोग को कन्फ्यूज़ कर दूँ पूरी तरीके से। तो अगर मैं कन्फ्यूज़ कर गया डेढ़ घंटे में तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। कन्फ्यूजन ज्ञान की पहली मंजिल होती है ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन के बिना आप कभी ज्ञान के, नॉलेज के एरिना में एंटर नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको इंसाइट करूँ, इन्वाइट करूं, भड़काऊं और उकसाऊं कि और पढ़िए और जानिए कि आज की दुनिया कैसे चल रही है। और इसके लिए कैपिटल पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स के इकोनॉमिक थॉट को समझना पड़ेगा। पानी। अब अगले हिस्से पे आते हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त 40-45 मिनट ही है, जो आज के संकट पे बात करना जरूरी है। जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म पे अगर बात करनी होगी, समकालीन पूंजीवाद पे, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए वो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि आज का संकट और इसके पहले के भी जो पूंजीवाद के संकट हैं उनका मुख्य बुनियादी कारण क्या रहा है। इससे पहले कि हम मार्क्स की थियोरी पे बात करें, थोड़ी हमने बात की है, आगे और डिटेल में थोड़ा जाएंगे, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है मार्क्सिस्ट थियोरी के अलावा क्राइसिस के बारे में। देखिए, हर बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट भी एक्नॉलेज करता है कि क्राइसिस आते हैं, इट्स अ कॉन्क्रीट रियल थिंग, उसको कोई आंख मूंद के नहीं कह सकता कि क्राइसिस है ही नहीं। इवन बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि क्राइसिस आता है, और कैपिटलिज्म में साइक्लिकली आता है, बार बार आता है, आवर्ती चक्रीय क्रम में आता है। और वो ये भी जानते हैं कि कैपिटलिज्म में रेगुलर अर्थव्यवस्था में डिसलोकेशंस होते रहते हैं, डिस्टर्बेंसेज आते रहते हैं। कभी नमक 40 रुपए किलो बिकने लगेगा, वाजपेयी के टाइम में हो रहा है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन मार्केट इकोनॉमी। इस तरह के डिस्टर्बेंस और डिसलोकेशंस आते रहते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस या डिसलोकेशन उस वक्त जबकि कैपिटलिस्ट सिस्टम अनहेल्दी है, वो क्राइसिस की तरफ जाता है। सवाल यह है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अनहेल्दी होने का कारण क्या है। बीच बीच में जब कैपिटलिस्ट सिस्टम अनहेल्दी होता है तो कोई एकदम एक हार्मलेस दिखने वाली चीज क्राइसिस पैदा कर सकती है। वो जो स्पेक्युलेटर है जॉर्ज सोरोस, एक सिंगल स्पेक्युलेटर के स्पेक्युलेशन की वजह से द होल मार्केट कैन कोलैप्स। वो रोज करता है स्पेक्युलेशन, लेकिन एक दिन वो ऐसा स्पेक्युलेशन करता है कि मार्केट कोलैप्स कर जाता है, जो दिखलाता है कि देर आर सर्टेन टाइम्स, कुछ खास मौके होते हैं जब सिस्टम अनहेल्दी होता है तो हर कोई भी चीज सिस्टम को एक स्लो डाउन या क्राइसिस की तरफ ले जा सकती है।
बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट मानते हैं, आप इसको इससे देख सकते हैं कि डब्ल्यू क्लेयर मिचेल एक बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट था, उसने 1810 से लेकर 1820 के बीच में 15 क्राइसिस रिकॉर्ड की थी, 15 बार जो क्राइसिस आई थी 110 साल में। पॉल सैमुएलसन जिसकी किताब आज भी इकोनॉमिक्स के उसमें पढ़ाई जाती है, सैमुएलसन एंड नॉर्डन्स, उसकी किताब का नाम ही है इकोनॉमिक्स, तो वो किताब मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। उसने 1945 से 1973 के बीच में 7 रिसेशंस रिकॉर्ड किए थे, मतलब मंदी, एक तो संकट हुआ और मंदी हुआ, मंदी संकट में जा सकती है नहीं जा सकती है, अलग अलग लेवल हैं क्राइसिस के आप समझ लीजिए। तो उसने 7 रिसेशंस किस दौर में रिकॉर्ड किए थे कैपिटलिज्म के, जिसको कैपिटलिज्म का गोल्डन एरा कहते हैं, कैनेडी का पीरियड है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर, उस वक्त भी 7 रिसेशंस आए थे, और उसके पहले ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, और वो चला था लगभग करीबन 7-8 रिकवरी होते होते एक डेकेड खर्च हो गया था, एक दशक खर्च हो गया था। तो सभी मानते हैं और जानते हैं कि आता है, सवाल यह है कि सिस्टम अनहेल्दी क्यों है, इसका जवाब क्या हमें मिलता है बुर्जुआ एकेडेमिया में, बल्कि सवाल यह पूछना चाहिए संकट क्यों आता है पूछने के बजाय यह पूछना चाहिए कि कोई भी सिस्टम अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे कर पाता है ना, वो जिंदा कैसे रह पाता है। कोई भी सिस्टम अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा तभी जिंदा रहेगा, जैसे हम खाना खाते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं तभी हम जिंदा रहते हैं, तो कोई भी सिस्टम अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि कोई सिस्टम अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो हम ये ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कब और किन परिस्थितियों में कोई सिस्टम अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। कैपिटलिज्म के बारे में खास तौर पे ये पूछना ज़्यादा रेलेवेंट है कि कैपिटलिज्म जैसा एनार्किक सिस्टम अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करता है। यहाँ पर बहुत सारे पूंजीपति मार्केट में आपस में कॉम्पीट करते हैं, कोई सेंट्रल प्लानिंग बॉडी नहीं है जो ये तय करती है कि भाई समाज को इतने थान कपड़े की ज़रूरत है, इतने लाख टन गेहूं की ज़रूरत है, इतने लाख टन चावल की ज़रूरत है, उसके बावजूद डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन के उनके बीच में फ्लक्चुएशंस के जरिए, उथल पुथल के जरिए एक प्रपोर्शनैलिटी कायम रहती है। अगर वो प्रपोर्शनैलिटी कायम ना रहे तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी ना। ब्रॉडली फ्लक्चुएशंस के जरिए ज़रूरतें मोटा मोटी पूरी होनी चाहिए, और वो प्रपोर्शनैलिटी कैसे होती है जबकि कैपिटलिज्म में कोई ऐसा सेंट्रल प्लानिंग होता ही नहीं है। सोचने की बात है, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर या कोई लॉ नहीं बताता है कि कौन रूल करेगा, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास रूल करता है, सभी जानते हैं। पहले जो लोग कहते थे नहीं नहीं ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, आज मोदी के टाइम में तो वो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये टिपिकली अंबानी अडानी का रूल है, इट्स एज अपेरेंट एज डेलाइट। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? कहने के लिए ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी है क्योंकि एक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर है, लोग आपस में एक डिवीजन ऑफ लेबर स्थापित करके उस उत्पादन करते हैं, और फिर भी इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी होने के बावजूद कैपिटलिज्म एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ खड़ा करके सर्वाइव करता है। तो ये होता कैसे है, कैपिटलिज्म जैसा एनार्किक सिस्टम सर्वाइव कैसे करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करता है? अब इसका जवाब बुर्जुआ एकेडेमिया में या कहें कि नॉन मार्क्सिस्ट थियोरीज में इसके तीन स्कूल है। पहला स्कूल है नियो क्लासिकल थियोरी का स्कूल, जो कि हमें इकोनॉमिक्स के उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मार्शल, नॉर्डस, W.W. रोस्तोव है ना, ये जो इस तरह के इकोनॉमिस्ट रहे हैं इनको पढ़ाया जाता है ज़्यादा। इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि अगर कैपिटलिज्म को अनटच्ड छोड़ दिया जाए, मार्केट को अनटच्ड छोड़ दिया जाए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली और स्मूथली अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। इफ लेफ्ट टू इटसेल्फ इट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली एंड स्मूथली। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी और इकोनॉमी की रियलिटी ऐसा है कि इससे मैच नहीं करता है। जब भी संकट आता है तो ये सारे बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट, नियो लिबरल, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो शर्मिंदा मुंह लिए घूमते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि वो बता नहीं पाते हैं कि हुआ क्या। हमारी थियरी तो ये बोल रही है कि कैपिटलिज्म अपने आप को स्मूथली और ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन क्राइसिस बार बार आ रहा है। इसलिए वो क्राइसिस का कारण किस में ढूंढते हैं, सिस्टम के भीतर नहीं। वो बोलते हैं कि क्राइसिस आता है, वो तो उनको मानना पड़ता है, लेकिन वो बोलते हैं कि इसका रीजन सिस्टम के भीतर नहीं है, जो रीजन है वो बाह्य है और आकस्मिक है, एक्सोजेनस है और कंटिंजेंट है। वो एक्सोजेनस और कंटिंजेंट रीजन क्या है, उसको बोलते हैं नेचुरल कॉजेस, जैसे फ्लड आ गया, क्रॉप फेल्योर हो गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक जो डिसलोकेशन होता है उसकी वजह से हो जाता है। और दूसरा वो बोलते हैं ह्यूमन नेचर, जिसको कहा जाता है थियरी ऑफ साइकिल ऑफ डिस्पेयर एंड ऑप्टिमिज्म। तो उसको उसमें वो बोलते हैं कि
ये जो खरीदार होता है ना, उपभोक्ता, इसको बीच बीच में निराशा और आशा का इसका साइकिल चलता है। जब वो निराशा के साइकिल में रहता है तो कम खरीदता है, तो उसकी वजह से संकट आ जाता है, और जब वो आशा के साइकिल में रहता है तो वो ज़्यादा खरीदता है, तो उसकी वजह से सिस्टम में बूम रहता है। तो सिस्टम के भीतर या सिस्टम की फंक्शनिंग में सिस्टम के क्राइसिस का कारण नहीं है, बाहर है और कंटिंजेंट है, आकस्मिक है और बाह्य कारण। अब ये इतनी चाइल्डिश थियरी है कि नियो लिबरल स्कूल वालों को भी समझ में आया कि सिर्फ इतना बता के हम कैपिटलिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो नियो क्लासिकल थियरी में एक नया स्कूल पैदा हुआ, उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स स्कूल। बिजनेस साइकिल्स स्कूल बोलता है कि नहीं नहीं, इंटरनल रीजंस से ही आता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, लेकिन ये जो डिसलोकेशन या फ्लक्चुएशन होता है ये शॉर्ट टर्म होता है और नॉन वायलेंट होता है। ये थोड़ा बहुत मतलब उथल पुथल आता है मार्केट में, कभी थोड़ा प्याज 80 रुपये किलो बिकने लगता है, कभी थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी थोड़ा सा अंडर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, भुखमरी वगैरह हो जाती है, लेकिन ये सब नॉन वायलेंट शॉर्ट टर्म डिसलोकेशन हैं, सिस्टम इसको ठीक करके खुद ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब भी ऐसा नहीं होता है, जैसा कि अब हो रहा है और जैसा कि 1929 के डिप्रेशन में हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन में, तो फिर वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं, रियल रीज़न तो नेचर और ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर वही कि साइकिल्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड डिस्पेयर आएगा, और नेचुरल रीजंस वही कि कभी फ्लड आ गया, बिजली गिर गई, कुछ भी हो गया, तो फिर संकट तो भाई आ ही जाएगा। लेकिन उसका रेकर करना और साइकिली रेकर करना वो बता नहीं पाते कि नियमित अंतराल पर क्यों आता है, क्योंकि कंटिंजेंट फैक्टर्स कंटिंजेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। तो इसलिए नियो क्लासिकल थियरी कैपिटलिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। जैसे JB Shaw से एक था, सेज लॉ उसको बोलते हैं। सेज लॉ ये था कि उत्पादन खुद अपना मार्केट पैदा कर लेता है और ह्यूमन नीड्स जो है वो इनसेटिएबल है। आदमी नेचर से ही लालची होता है, और चूंकि आदमी नेचर से लालची होता है और चूंकि संसाधन सीमित हैं, आप याद करिए इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक में सबसे पहले यही पढ़ाते हैं, ह्यूमन नीड्स आर इनफाइनाइट एंड रिसोर्सेज आर स्कैर्स। ये पूरे बुर्जुआ इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन है जो कि झूठ है। आंकड़े लेके आप देखेंगे तो फूड ग्रेन्स भारत का इतना है कि पूरा भारत भारतीय महाद्वीप खा सकता है, मतलब भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान कि सारी जनता को भारत का फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन खिला सकता है। लेकिन भारत में 60 लाख टन अनाज हर साल गोदाम में सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं, और जब सड़ जाता है तो विजय माल्या की कंपनी को दारू बनाने के लिए बेच दिया जाता है। स्कैर्सिटी तो रीज़न नहीं है ना भुखमरी का, स्कैर्सिटी रीज़न नहीं है। दूसरा बोलते हैं जनसंख्या, बच्चे इतने पैदा करते हो तुम लोग कि हम सरकार बेचारी क्या करे, सरकार अचानक बेचारी हो जाती है, एज इफ कि जो जनता के बच्चे पैदा होते हैं वो सिर्फ पेट लेके पैदा होते हैं, वो सिर्फ खाते हैं, वो दो हाथ दो पांव लेकर भी पैदा होते हैं और वो वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, वैल्यू पैदा कर सकते हैं। तो ये इनका तरीका होता है, कैपिटलिज्म के नेचर को ह्यूमन नेचर बना दिया जाता है। कैपिटलिज्म का नेचर ग्रीड है, इनसेटिएबल ग्रीड, तो बोल दिया जाता है कि आदमी ही इनसेटिएबली ग्रीडी होता है, एकदम उसकी ऐसी अंधी हवस होती है, लालच होता है कि उसके लिए रिसोर्सेज छोटे पड़ जाते हैं। ये आदमी का नेचर नहीं है, ये कैपिटलिज्म का नेचर है, जो कि ये सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा नेचर है, आदमी का नेचर है, और इसलिए कैपिटलिज्म इज द बेस्ट सूटेड सिस्टम। क्यों? कैपिटलिज्म क्या बोलता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई रिसोर्सेज स्कैर्स हैं तो आपस में लड़ मरो, है ना, अंधी प्रतियोगिता, अंधी प्रतिस्पर्धा। और इसके सारे स्लोगन्स भी वैसे हैं जो US में खूब चलते हैं, ब्रिटेन में भी चलते थे, जिन्होंने मिल और बेंथम पढ़ा है, यूटिलिटेरियनिज्म। वो बोलता है ना कि हर आदमी अगर अपने अटमोस्ट हैप्पीनेस के लिए ट्राई करे अलग अलग, तो वो सारे सोसाइटी के अटमोस्ट हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। यूटिलिटेरियनिज्म का बेसिस, बेसिक प्रेजुडिस, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस। या अमेरिका में जो एक डिक्टम चलता है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हर कोई परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करने के लिए फ्री है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव गला काटू प्रतिस्पर्धा, लाशों की सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ जाने का ये एथिक्स है कैपिटलिज्म का, इसको ह्यूमन नेचर बना दिया जाता है क्योंकि ये कैपिटलिज्म का नेचर है। ये इस नियो क्लासिकल थियरी की खासियत, जो कि संकट को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती है। तो बुर्जुआ एकेडीमिया में ही एक दूसरा स्कूल पैदा हुआ, उसको हम कीन्सियन या नियो कीन्सियन स्कूल बोल सकते हैं। कीन्स ने बोला कि नहीं, सेज लॉ गलत है। सेज का ये कहना कि प्रोडक्शन अपनी डिमांड खुद पैदा कर लेता है और कैपिटलिज्म अगर उसको छेड़ा ना जाए तो अपने आप को ऑटोमेटिकली रिप्रोड्यूस कर सकता है स्मूदली, ये गलत है। कैपिटलिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है लेकिन स्मूदली और ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो क्लास होता है, जो भांडवलशाह है, ये इन्वेस्टमेंट करने में किस चीज़ से ड्रिवन होता है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट, जो कि वोलाटाइल होता है, मुनाफे की हवस, जो कि वोलाटाइल होती है, और दूसरा वो बोलता है एनिमल स्पिरिट्स, एक दूसरे को छोटी मछली बड़ी मछली खा जाने। कीन्स इतना मानने को तैयार है, कीन्स मानने को तैयार है कि भांडवलशाह
जो है वो मुनाफे की अंधी हवस से ड्रिवेन होता है और इसलिए सिस्टम में हमेशा डिसलोकेशंस आते रहते हैं। लेकिन इस डिसलोकेशंस को मैनेज किया जा सकता है, कैसे? सरकार के द्वारा, पॉलिसी इंटरवेंशन के द्वारा। कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी ये डिसलोकेशन आते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है तो अंडर कंजम्पशन होता है, लोगों को पर्याप्त कंज्यूम नहीं कर पाते हैं लोग, अंडर कंजम्पशन होता है। तो ये अंडर कंजम्पशन और अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहिए। भारत के सीपीएम के तथाकथित अर्थशास्त्री वास्तव में कीन्सियंस हैं, प्रभात पटनायक, उत्सा पटनायक, सीपी चंद्रशेखर, जयति घोष, वो लोग यही कहते हैं कि क्राइसिस को दूर करने का देखिए यही पैमाना है, यही तरीका है कि सरकार जो है सोशल स्पेंडिंग करे, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए, फूड राशनिंग का करे, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना दे तो भी सॉल्व हो जाएगा। लड़ते हम भी इसके लिए हैं, रेवोल्यूशनरीज भी इन सब चीज़ों के लिए लड़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए, सोशल सिक्योरिटी एक्ट के लिए, लेकिन उनके हिसाब से ये अगर कैपिटलिज्म के भीतर इतना हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये लोग विक्रम बेताल जो कहानी है ना, तो ये रिविजनिस्ट, ये जो JNU स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको मैं मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी नहीं बोलता हूँ, ये पटनायक की और सीपी चंद्रशेखर, ये JNU स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है जो बेसिकली एक मिक्सचर है कीन्सियन इकोनॉमिक्स और अंडर कंजम्पशनिज्म का। ये लोग बोलते हैं, ये लोग बेताल की तरह पूंजीवाद रूपी विक्रम के कंधे पे चढ़े रहते हैं, उसके कान में फुसफुसाते रहते हैं कि थोड़ा धीरे चलो, ज़्यादा तेज चलोगे तो गिर जाओगे, आराम से चलो, थोड़ा सा इतना हवस ठीक नहीं, थोड़ा कम हवस रखो, मुनाफा कमाओ लेकिन इतनी लालच अच्छी बात नहीं है, इस टाइप की बातें करते हैं। तो कीन्सियन इकोनॉमिक्स बेसिकली यही है कि सरकार अगर पॉलिसी इंटरवेंशन करे तो क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं, क्राइसिस को रोक सकते हैं, और इसलिए हर क्राइसिस कीन्सियंस के लिए क्या होती है? पॉलिसी मिस्टेक। तो कीन्सियन इकोनॉमिक्स 1945 से 1945 से लेकर 1973 तक लोकप्रिय रही क्योंकि उस समय कैपिटलिज्म में बूम का दौर था जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, और उस समय वेलफेयरिज्म अमेरिका में, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, दो कारणों से, इस बूम की वजह से और सोवियत यूनियन की मौजूदगी की वजह से उनको थोड़ा वेलफेयरिज्म करना पड़ रहा था। तो उस समय अचानक ये बात होने लगी थी कि बस कैपिटलिज्म ने अपनी समस्या यानी कि संकट का समाधान निकाल लिया है, कीन्सियनिज्म है। लेकिन अचानक इट ऑल केम डाउन क्रैशिंग 1973 में, एक क्राइसिस फूटती है और ज़बरदस्त क्राइसिस फूटती है, और उसके बाद ये कीन्सियन इकोनॉमिक्स धरी की धरी रह जाती है। कीन्सियन इकोनॉमिक्स मतलब एक तरीके से डिसरिप्यूट में चली जाती है, उस पर अब वो इतनी क्रेडिबल नहीं रह जाती है। तो ये कीन्सियन इकोनॉमिक्स है। तीसरा स्कूल जो था जो कि नॉन मार्क्सिस्ट वैसे है थियोरेटिकली, हालांकि कई मार्क्सिस्ट भी उसके शिकार हैं, पहले भी हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अंडर कंजम्पशनिस्ट स्कूल, अल्प उपभोगवादी विचारधारा, विचार। अल्प उपभोगवादी विचार क्या है? इसका एक लंबा इतिहास है, मतलब माल्थस, सिसमोंदी, हॉबसन, रोजा लग्जमबर्ग जो कि एक मार्क्सिस्ट थी, रोजा लग्जमबर्ग और मंथली रिव्यू का ये जो पूरा स्कूल है, पॉल स्वीजी, पॉल बरान, ये लोग जो भारत में काफ़ी लोकप्रिय भी है लेफ्ट सर्किल्स में, और आज डेविड हार्वे, वो भी अंडर कंजम्पशनिस्ट आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। इन लोग का कहना ये है कि कंजम्पशन जो है वो कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, यानी कि कैपिटलिज्म में जो उत्पादन होता है वो उपभोग के लिए होता है। अब चूंकि उत्पादन उपभोग के लिए होता है और उत्पादन बढ़ता जाता है कैपिटलिज्म में क्योंकि मुनाफे के लिए उत्पादन होता है, एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग से जो सरप्लस अप्रोप्रिएशन होता है उसकी वजह से वो गरीब होता जाता है, इस वजह से एक डिमांड गैप पैदा हो जाता है, जितना पैदा होता है वो सब बिक नहीं पाता है, और बिक नहीं पाता है तो अंडर कंजम्पशन होता है, अंडर कंजम्पशन होता है तो क्राइसिस आती है। इनके हिसाब से जो डिपार्टमेंट वन, जिसको मार्क्स ने बोला था, डिपार्टमेंट वन प्रोडक्शन का वो होता है जिसमें मशीनरी वगैरह पैदा होती है, यानी कि मींस ऑफ प्रोडक्शन जिसमें पैदा होते हैं, और डिपार्टमेंट टू वो है जिसमें कंज्यूमर गुड्स पैदा होते हैं, उपभोक्ता सामग्रियां, जिसको डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए जो होता है, रोटी, कपड़ा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो कंज्यूमर गुड्स जितने भी होते हैं। तो इन लोग का मानना है कि डिपार्टमेंट वन केवल डिपार्टमेंट टू के लिए पैदा होता है, मतलब डिपार्टमेंट वन जो मशीन प्रोड्यूसर गुड्स पैदा करने वाला डिपार्टमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स पैदा करने वाले डिपार्टमेंट के साथ वर्टिकल एक सिस्टम में होता है और सबऑर्डिनेट स्टेटस में होता है, उसका काम बस इतना है कि वो कंज्यूमर गुड्स पैदा करने के लिए मशीन सप्लाई करे। अब इनका पूरा सोचने का तरीका क्या है? ये बोलते हैं कि देखिए, सोसाइटी कैपिटलिज्म केवल
कैपिटलिज्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उत्पादन नहीं करता है, वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उत्पादन करता है। डिमांड कौन सी? इफेक्टिव डिमांड, जिसके लिए शब्द चलता है। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इफेक्टिव डिमांड इज द डिमांड विच इज बैक्ड बाय मनी, विच इज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। मैं चाहता हूं कि मैं मर्सिडीज खरीदूं, है ना, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरी डिमांड इफेक्टिव डिमांड नहीं है। इफेक्टिव डिमांड वो होगी जब मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं और मेरे पास मर्सिडीज खरीदने का पैसा है। तो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है इफेक्टिव डिमांड को, परचेजिंग पावर को घटाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो उसकी वजह से एक डिमांड गैप पैदा होता है। कैसे? सोसाइटी का जो टोटल प्रोडक्ट है उसका दो हिस्सा होता है, यहां तक वो सही कहते हैं। सोसाइटी का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका दो हिस्सा है। उसका पहला हिस्सा है रिप्लेसमेंट प्रोडक्शन, जैसे कि जो प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल और मींस ऑफ प्रोडक्शन खर्च होते हैं उनको वापस आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तभी तो प्रोडक्शन जारी रहेगा। तो एक हिस्सा हो गया रिप्लेसमेंट प्रोडक्शन, और एक हिस्सा हो गया जिसको बोलते हैं नेट प्रोडक्ट, जो नेट के लिए कुल, नहीं नहीं कुल नहीं, कुल तो ग्रॉस होता है, वो ग्रॉस नेट होता है, शुद्ध शुद्ध उत्पाद नेट प्रोडक्ट। जो नेट प्रोडक्ट है वो नेट प्रोडक्ट के फिर दो हिस्से होते हैं। नेट प्रोडक्ट का एक हिस्सा कैपिटलिस्ट खरीदता है और एक हिस्सा वर्कर खरीदता है। तो वर्कर तो अपनी वेज पूरी खर्च करके अपना हिस्सा खरीद लेता है, क्योंकि वर्कर तो मजबूर होता है, वो अपनी पूरी वेज नहीं खर्च करेगा, वो सेविंग नहीं कर सकता है, वो तो हैंड टू माउथ जीता है। तो वर्कर्स एज अ क्लास वो अपनी वेजेस खर्च कर देते हैं और अपना हिस्सा नेट प्रोडक्ट का खरीद लेते हैं। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है उसकी प्रोपेंसिटी क्या होती है, उसका रुझान क्या होता है? एक्यूमुलेट करना और री इन्वेस्ट करना, वही एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन करना, पर यूनिट कॉस्ट घटाना, कॉम्पिटिटर को मार्केट में पीटना। तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपना पूरा प्रॉफिट अपने ऊपर खर्च ना करे बल्कि एक्यूमुलेट करे, और चूंकि वो सेविंग करता है इसलिए वो नेट प्रोडक्ट का अपना वाला हिस्सा पूरा खरीदता नहीं। इससे कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो अनसोल्ड रह जाता है, नेट प्रोडक्ट का एक हिस्सा, और चूंकि नेट प्रोडक्ट का एक हिस्सा अनसोल्ड रह जाता है इसलिए एक डिमांड गैप ओपन होता है, और वो डिमांड गैप जो है वो प्योर कैपिटलिज्म के भीतर नहीं भर सकता है। प्योर कैपिटलिज्म के बाहर उसको नॉन कैपिटलिस्ट बायर चाहिए, गैर पूंजीवादी खरीदार चाहिए। वो गैर पूंजीवादी खरीदार कौन होगा, ये इस सवाल का जवाब जिसने जैसा दिया उसके हिसाब से वो अंडर कंजम्पशनिज्म के तीन स्कूलों में बट गया। पहला स्कूल था जिसको आप कह सकते हैं प्रतिक्रियावादी अल्प उपभोगवाद, रिएक्शनरी अंडर कंजम्पशनिज्म, जिसका प्रमुख प्रतिनिधि था माल्थस, वही जनसंख्या के सिद्धांत वाला। वो बोलता है कि ये जो डिमांड गैप है, ये जो अनसोल्ड नेट प्रोडक्ट है, इसको खरीदने का काम कौन करेगा? जो परजीवी सामंती भूस्वामी वर्ग है। तो एक पैरासिटिक अरिस्टोक्रेटिक क्लास बचे रहना चाहिए, इसीलिए माल्थस इस रिएक्शनरी स्लोगन पे पहुंचता है कि अरिस्टोक्रेट्स का क्लास बचे रहना चाहिए, क्योंकि वही तो ये डिमांड गैप भरेगा, ये जो अनसोल्ड नेट प्रोडक्ट का हिस्सा है उसको भरेगा। दूसरा, मैं अभी बोल सकता हूँ 20-25 मिनट? अच्छा ठीक है, तो वो ये खरीदेगा, ये माल्थस का था। दूसरा जो हिस्सा था वो रिफॉर्मिस्ट अंडर कंजम्पशनिज्म है, जिसके प्रमुख प्रतिनिधि थे सिस्मोंदी और हॉब्सन। इनका ये कहना था कि वर्कर्स की वेज बढ़ाओ तो वर्कर्स खरीद लेंगे, लेकिन वर्कर्स की वेज तो कैपिटलिज्म बढ़ा नहीं सकता, और वर्कर जितनी वेज उसकी होगी उससे इफेक्टिव डिमांड नहीं पैदा होता है, क्योंकि जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है वर्कर का कंजम्पशन तो उसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ना। सरप्लस कौन खाएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ही एक फंक्शन है वर्कर का कंपोजिशन कंजम्पशन, इसलिए वर्कर वो डिमांड गैप भरी नहीं सकता है। लेकिन ये लोग का कहना था, सिस्मोंदी और हॉब्सन का, कि अगर ये वर्किंग क्लास खरीद ले नेट प्रोडक्ट का अनसोल्ड हिस्सा तो अंडर कंजम्पशनिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा स्कूल था रोजा लक्जमबर्ग, और बाद में उसको फॉलो करते हैं पॉल स्विजी, पॉल बरान, आज के टाइम में डेविड हार्वे वगैरह वगैरह। इन लोग का ये कहना है कि ये नॉन कैपिटलिस्ट बायर कौन होगा, ये नॉन कैपिटलिस्ट बायर होगा वे देश जो कि अभी कैपिटलिज्म में नहीं आए हैं, इंपीरियलिज्म के दौर में, वहां पर जाकर पूंजीपति वर्ग अपना ये जो नहीं बिका हुआ माल है उसको बेचेगा। लेकिन इस प्रोसेस में रोजा लक्जमबर्ग ने कहा होगा ये कि पूंजीवाद जहां जहां जाएगा उन देशों को पूंजीवादी बना देगा। तो ये जो नॉन कैपिटलिस्ट बायर है जिसकी पूंजीवाद को बहुत जरूरत है अपना अंडर कंजम्पशन खत्म करने के लिए, वो अंडर कंजम्पशन खत्म करने की प्रोसेस में ही इस नॉन कैपिटलिस्ट पेरिफेरी को ही खत्म कर देगा, क्योंकि पूरी दुनिया में पूंजीवाद आ जाएगा। और चूंकि पूरी दुनिया में पूंजीवाद आ जाएगा और प्योर कैपिटलिज्म जब पूरी दुनिया में आ जाएगा तो अंडर कंजम्पशनिज्म की प्रॉब्लम हल ही नहीं हो पाएगी। उसके बाद सिस्टम पहले स्टैग्नेट होगा,
नहीं बिकने की वजह से माल, और उसके बाद क्राइसिस में जाएगा और उसके बाद इनएविटेबली कोलैप्स कर जाएगा। रोजा लक्जमबर्ग की ये थियरी थी इनएविटेबल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म की, जिसको आगे मंथली रिव्यू स्कूल ने भी फॉलो किया। आज डेविड हार्वे भी बोल रहे हैं कि वेज स्टैग्नेशन मेन कारण है क्राइसिस का, अगर वेज स्टैग्नेशन ना हो तो हल हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो ये अंडर कंजम्पशनिस्ट थियरी, इसमें दो गलती है। देखिए, पहली गलती ये है कि इनका ये मानना कि पूंजीवाद में कंजम्पशन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ये गलत है। पूंजीवाद में जनता के उपभोग के लिए, लोगों के उपभोग के लिए उत्पादन नहीं होता है, मुनाफे के लिए उत्पादन होता है। इसलिए अगर डिपार्टमेंट वन में, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में प्रोड्यूसर गुड्स पैदा होते हैं, मशीनरी, वहाँ के पूंजीपति जो हैं, भांडवलशाह जो हैं, वो एक दूसरे को ऐसी मशीन बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं जो मशीन बनाने वाली मशीन है, तो कोई कारण नहीं है कि वो ऐसा ना करें। तो रोजा लक्जमबर्ग का कहना था कि भाई कैपिटलिस्ट क्लास एज अ क्लास एक दूसरे को बेच के धनी नहीं हो सकता है, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास एक दूसरे को बेच के धनी हो सकता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सारी पूंजी किसी एक पूंजीपति की नहीं होती है, वो कई पूंजीपतियों की होती है, मैनी कैपिटल्स, जिसको मार्क्स ने बोला। तो मैनी कैपिटल्स की मौजूदगी की वजह से कैपिटलिस्ट क्लास एक दूसरे को भी बेच के अपना अंडर कंजम्पशन, या ये जो न बिकने का संकट है, रियलाइजेशन प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, कि सरप्लस वैल्यू इस फोन में है लेकिन ये बिकेगा नहीं, तो ये मुद्रा के रूप में रियलाइज होकर आएगा नहीं, पैसे के रूप में। तो ये रियलाइजेशन प्रॉब्लम कैपिटलिस्ट एक दूसरे को बेचकर भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये नहीं समझी रोजा लक्जमबर्ग ने और सारे ही अंडर कंजम्पशनिस्ट ने कि कैपिटलिज्म एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन इसलिए कर सकता है कि मान लीजिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो जो टर्नओवर्स में चलती है ना, प्रोडक्शन होता है फिर वो बिकता है, प्रोडक्शन होता है फिर वो बिकता है। तो मान लीजिए कि एक साल का टर्नओवर है, तो उस साल के टर्नओवर का जो प्रोडक्ट है वो तो अगले साल अवेलेबल होगा ना, तो अगले साल पूंजीपति वर्ग और वर्कर्स को हायर करेगा क्योंकि वो एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन कर रहा है, और वो और मींस ऑफ प्रोडक्शन भी खरीदेगा और वो मशीनरी भी खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन में, ये पूंजीवाद के भीतर खप सकता है। मार्क्स ने इतना ही कहा था कि खप सकता है। इसी के कुछ लोगों ने गलत व्याख्या की, जैसे तुगान बारानोव्स्की ने और हिलफर्डिंग ने, कि खप ही जाएगा। ये दोनों में फर्क है। मार्क्स ने कहा कि अंडर सर्टन कंडीशंस कैपिटलिज्म कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। हिलफर्डिंग और तुगान बारानोव्स्की इसको वहां पर ले गए जिसमें उन्होंने कहा कैपिटलिज्म विल रिप्रोड्यूस इटसेल्फ अंडर एनी गिवन कंडीशन, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन हो जाएगी। ये आप आगे और पढ़ेंगे या डिस्कशन में आएगा, तो इस पर हम ये इसको हार्मोनिस्ट व्याख्या कहते हैं कि हार्मनी रहेगी सारे डिपार्टमेंट्स में। हार्मोनिस्ट एक्सप्लेनेशन अभी ये चूंकि चर्चा का हमारे विषय नहीं है, लेकिन मार्क्स ने ये बताया कि रोजा लक्जमबर्ग ने कहा कि कैपिटलिज्म रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है क्योंकि नेट प्रोडक्ट का जो अनसोल्ड हिस्सा है, जो डिमांड गैप है, वो फिल हो ही नहीं सकता है। मार्क्स ने कहा फिल हो सकता है, और मार्क्स ने अंडर कंजम्पशनिज्म का रोजा लक्जमबर्ग से पहले ही आलोचना कैपिटल वॉल्यूम वन में ही कर दी थी। तो ये तीन थियरीज हैं जो नॉन मार्क्सिस्ट थियरीज है क्राइसिस की, जो कि क्राइसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। पहला नियो क्लासिकल थियरी, दूसरा कीन्सियन एंड नियो कीन्सियन थियरी, और तीसरा अंडर कंजम्पशनिस्ट थियरी। जो भी नॉन मार्क्सिस्ट थियरी है वो या तो इनमें से किसी एक का मेंबर है, किसी एक स्कूल का, या इन तीनों का मिक्सचर बनाती है, लेकिन इन्हीं तीनों स्कूल से बिलोंग करती है। मार्क्स का जो क्राइसिस थियरी है वो क्या है, जो हमने बात की, लॉ ऑफ टेंडेंशियल फॉल इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, वो कैसे होता है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, हमने पहले बात की कि हर समाज के कुछ निश्चित डिमांड्स और वांट्स होते हैं, है ना, कुछ उसकी कुछ निश्चित मांगे होती है, जरूरतें होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए हर सोसाइटी को अपने टोटल लेबर को अलग अलग ब्रांचेज ऑफ प्रोडक्शन में आवंटित करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है डेफिनेट मैग्नीट्यूड में। इसी को मार्क्स बोलते हैं सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, टोटल लेबर होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होता है, उसका अलग अलग मात्रा में एलोकेशन होता है। कैपिटलिज्म से पहले जो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर था वो या तो कलेक्टिव प्लानिंग से डिटरमाइन होता था या फिर जोर जबरदस्ती से डिटरमाइन होता था। जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, एक कबीलाई समाज था, तो कबीला मिलकर तय करता था कि कौन हंटिंग के लिए जाएगा, कौन गैदरिंग के लिए जाएगा, कौन उठा के उसको स्टोर करेगा, वगैरह वगैरह। फ्यूडल या स्लेव ओनिंग सोसाइटीज में लॉ, रिलीजन और स्टेट के जरिए रूलिंग क्लास जोर जबरदस्ती से एक सोशल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बनाता था। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता है, कैपिटलिज्म में ये चीज प्रॉफिटेबिलिटी से होती है। दूसरी चीज जो किसी भी क्लास सोसाइटी की खासियत है कि उसमें सरप्लस एक्सट्रैक्शन होता है,
जो भी क्लास सोसाइटी होगी उसमें सरप्लस तो प्रोडक्ट तो होगा ही, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्ट नहीं होगा तो रूलिंग क्लास और उसका स्टेट सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, उसके पास मीन्स ऑफ सर्वाइवल ही नहीं होगा। अब ये सरप्लस एक्सट्रैक्शन किस किस्म से हो रहा है, जिसको मार्क्स ने कहा मोड ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन, जिसकी हमने बात की कि फ्यूडल पीरियड में जो सरप्लस लेबर टाइम था वो अलग से दिख रहा था, क्योंकि भूदास सामंती जागीरदार के खेत में जाकर खेती करता था, लेकिन कैपिटलिज्म में हमने देखा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक होमोजीनियस लेबर टाइम होता है और उसमें वैल्यू फॉर्म की वजह से, वेज के वजह से, मजदूरी के स्वरूप की वजह से एक्सप्लॉयटेशन छिप जाता है। तो ये अलग अलग मोड्स ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन है। कैपिटलिज्म में हमने देखा अलग किस्म का मोड ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन होता है। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये मोड ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन और सोशल डिवीजन ऑफ लेबर दोनों ही जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी से तय होता है, किस सेक्टर में कितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से कैपिटल फ्लो करती है एक ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन में, उसके हिसाब से जब इन्वेस्टमेंट किसी एक ब्रांच में बढ़ता है तो उधर लेबर भी फ्लो करता है, तो जो लेबर का एलोकेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो बदल जाता है। तो कैपिटलिज्म में ये चीज इकोनॉमिक लॉ के जरिए होती है, जोर जबरदस्ती के जरिए नहीं होती है। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी का मूवमेंट अपने आप को किस रूप में अभिव्यक्त करता है, प्राइसेस के मूवमेंट में, जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं। अब वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो मार्क्स ने दिखाया कि उसके पीछे बेसिकली लेबर वैल्यू है, वो अपने आप को कीमत के रूप में अभिव्यक्त करता है। एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री में किसी माल की मूल्य और किसी माल के दाम में फर्क हो सकता है, लेकिन पूरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टोटल वैल्यू हमेशा टोटल प्राइस के बराबर होगी, क्योंकि एक जगह अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है किसी के कहीं पर, या ये कहे कि कोई एक मान लीजिए फैक्ट्री जो ज्यादा प्रोडक्टिव है तो वो अपने वैल्यू से ज्यादा दाम रख सकती है अपने प्रोडक्ट का, और जहां पर प्रोडक्टिविटी कम है वो अपने वैल्यू से उसको कम दाम रखना पड़ेगा, तो इसलिए उसका प्रॉफिट कम होगा और कहीं पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसी के जरिए कैपिटल फ्लो जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में होता है उससे वैल्यूज प्राइसेस में ट्रांसफॉर्म होती हैं। इसको मार्क्सिज्म में ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम भी कहा जाता है, लेकिन अभी उसके हम डिटेल में नहीं जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि टोटल वैल्यू टोटल प्राइस के बराबर होता है और ये वैल्यू ही होती है माल की जिसके इर्द गिर्द प्राइसेस मंडराती हैं। कोई भी रूमाल किसी मर्सिडीज कार से महंगा नहीं हो सकता है, चाहे उसकी डिमांड इनफाइनाइट हो जाए और मर्सिडीज कार की डिमांड बहुत कम हो जाए, तब भी मर्सिडीज कार एक रूमाल से महंगी ही होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा लेबर एब्स्ट्रैक्ट लेबर लगा है, ह्यूमन लेबर लगा है। तो इसलिए जो भी प्राइसेस होती हैं वो वैल्यूज से डिफर करती हैं, लेकिन उसी के इर्द गिर्द होवर करती हैं, होवर अराउंड करना, जैसे मंडराता मंडराना कहते हैं। इसलिए अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन के इशू पे हम नहीं जाएंगे, वैल्यू को कंसिडर करते हैं हम सीधे। अब जो वैल्यू होता है वो तय करता है इस पूरे प्रॉफिटेबिलिटी के मूवमेंट को। होता क्या है कि जो कैपिटलिस्ट होता है, जो हमने देखा कि वो ज्यादा से ज्यादा मशीनरी में इन्वेस्ट करने की उसकी टेंडेंसी होती है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना होता है। अब कैपिटलिस्ट जो है वो एक तरफ मशीनरी रॉ मटेरियल खरीदता है और दूसरी तरफ वो लेबर पावर खरीदता है। जो वो मशीनरी रॉ मटेरियल पे लगाता है उसको सभी जानते होंगे कांस्टेंट कैपिटल कहते हैं, जो लेबर पावर पे लगाता है उसको वेरिएबल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो कैपिटल वो है जो सरप्लस वैल्यू पैदा कर रहा है, अपना वैल्यू बदल ले रहा है। लेकिन जो कांस्टेंट कैपिटल भी खरीद रहा है वो क्या है, वो डेड लेबर है जो हमने बात की। तो जो टोटल आप कहेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है, सी प्लस L, यानी L मतलब टोटल वर्किंग डे, C मतलब कांस्टेंट कैपिटल। तो टोटल जो वैल्यू है वो क्या है, डेड लेबर यानी मशीनरी का जो कीमत है वो, प्लस जो वर्कर के लेबर पावर की वैल्यू है, और प्लस जो वो सरप्लस वैल्यू पैदा कर रहा है। अब जो टोटल लेबर टाइम है उसका हमने देखा दो हिस्सा होता है, सरप्लस लेबर टाइम और नेसेसरी लेबर टाइम। यानी कि सरप्लस लेबर टाइम क्या है, कुल लेबर टाइम और नेसेसरी लेबर टाइम का फर्क, एस को अगर हम सरप्लस वैल्यू माने और L को अगर हम टोटल लेबर टाइम माने, तो उसका और वेरिएबल कैपिटल जो नेसेसरी लेबर टाइम का फर्क है वही सरप्लस का फर्क है। तो अब मान लीजिए कि वेरिएबल कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली घटता जाता है और कांस्टेंट कैपिटल पे बढ़ता जाता है, तो सरप्लस वैल्यू कितना भी बढ़ेगी वो ज्यादा से ज्यादा, चूंकि लेबर टाइम से ही तय होता है वैल्यू, इसलिए कोई मजदूर 24 घंटे तो नहीं काम कर सकता है, मैक्सिमम वो 12 घंटे काम करेगा, 14 घंटे काम करेगा, चलिए एक्सेप्शनल कंडीशंस में 16 घंटे काम करेगा। तो सरप्लस वैल्यू के रेट को बढ़ाने की एक फिजिकल लिमिट है, उस फिजिकल लिमिट से ज्यादा सरप्लस वैल्यू के रेट को कैपिटलिस्ट नहीं बढ़ा सकता है। तो जैसे ही सरप्लस वैल्यू अपने इस मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचती है तो रेट ऑफ प्रॉफिट वहां पर फिर स्टैग्नेट करता है। क्यों स्टैग्नेट करता है, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट किस चीज का रेशियो होता है, सरप्लस वैल्यू और टोटल इन्वेस्टमेंट।
टोटल इन्वेस्टमेंट में जब वी यानी वेरिएबल कैपिटल यानी कि जो मजदूरी पे लग रहा है वो जब एक जगह पे स्टैग्नेट कर जाएगा यानी कि सरप्लस वैल्यू अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तब भी मशीनरी तो उसको लगातार उन्नत करनी पड़ेगी। तो चूंकि एस एक जगह स्टैग्नेट कर गया सरप्लस वैल्यू और कांस्टेंट कैपिटल लगातार बढ़ता जा रहा है और वेरिएबल कैपिटल इज ऑलरेडी टेंडिंग टू जीरो मतलब वर्कर लगभग जो मार्क्स ने कहा कि एक पल को मान लीजिए कि वो हवा पे जी रहे हैं तो भी उसके एक ऐसा लेवल आएगा जिस लेवल के बाद प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन करना शुरू करेगी और यही टेंडेंशियल डिक्लाइन ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट का कारण होता है। अब ये टेंडेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं जो इसको बीच बीच में रोकती हैं। जब भी कोई नया बड़ा इनोवेशन होता है तो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से बढ़ता है तो वो इसको काउंटर एक्ट करता है ना, डिक्लाइन जो प्रॉफिट के रेट में होता है उसको काउंटर एक्ट करता है। तो इसलिए लॉ ऑफ डिक्लाइन जो है वो टेंडेंशियल लॉ बन जाता है, मतलब लॉ बस टेंडेंसी में तब्दील हो जाता है। दूसरा जो काउंटर वेलिंग फैक्टर है उसको कहा जाता है कि जो मशीनरी की कीमत होती है वो भी घटती जाती है। तो क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो जो कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी आज से 20 साल पहले 30,000 में मिलता था उससे कहीं ज्यादा एडवांस डेस्कटॉप पीसी आज 16,000 रुपए में मिलता है। तो है वही लेकिन उसकी वैल्यू घट गई क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इस वजह से मशीनरी की पर यूनिट कॉस्ट जब घटती है तो वो रेट ऑफ प्रॉफिट को भी बैलेंस करती है, गिरने से रोकती है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट मशीनरी ज्यादा लगा रहा है लेकिन उस पर उसका खर्चा उतना नहीं हो रहा है, खर्चा कम हुआ। लेकिन मार्क्स ने बताया कि जब भी एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन होगा तो मशीनरी की पर यूनिट कॉस्ट घट सकती है लेकिन टोटल जो न्यू सिस्टम ऑफ मशीनरी है वो हमेशा पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो इसलिए जो दो काउंटर वेलिंग फैक्टर है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू जो कि रेट ऑफ प्रॉफिट को गिरने से बीच बीच में रोकता है या धीमा करता है, और दूसरा मशीन की पर यूनिट घटती हुई कॉस्ट, ये दोनों प्रॉफिट के डिक्लाइन के नियम को एक रुझान में बदल देती है। इसलिए जो प्रॉफिट का रेट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट है, वो हर वक्त लगातार नहीं गिरता रहता है बल्कि वो एक लंबी टेंडेंसी होती है गिरने की। तो जैसे वो यूं गिरेगा ऐसे ऐसे करके, वो ऐसे एक सीधा स्लोप नहीं होगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे रेट ऑफ प्रॉफिट का तो फ्लक्चुएट करते हुए गिरेगा, तो किसी छोटे पीरियड में वो बढ़ सकता है रेट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन जो सेक्युलर लॉन्ग टर्म आप लेंगे तो रेट ऑफ प्रॉफिट घटेगा। तो ये है वो लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और ये इसको कैपिटलिज्म कभी रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वही रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू बढ़ाने का एक फिजिकल लिमिट होता है और दूसरा मशीनरी का नया सिस्टम एक्सपेंडेड रिप्रोडक्शन में इन जनरल पुराने सिस्टम ऑफ मशीनरी से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और इस वजह से रेट ऑफ प्रॉफिट लॉन्गे ड्यूरी में लंबे ड्यूरेशन में गिरेगा। और ये चीज मार्क्स ने नहीं कही कि गिरेगा, गिरता पहले से ही था। अलग अलग प्री मार्क्सियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने इसकी गलत व्याख्या की। एडम स्मिथ ने बोला कि जब किसी एक सेक्टर में ज्यादा कैपिटल आ जाते हैं तो ओवर एक्युमुलेशन हो जाता है और रेट ऑफ प्रॉफिट गिर जाता है, लेकिन एडम स्मिथ ये नहीं बता पाए कि किसी एक सेक्टर में नहीं जब पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, नहीं बता पाए। रिकार्डो और माल्थस ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की थियरी दी कि इस वजह से रेट ऑफ प्रॉफिट गिरता है, लेकिन मार्क्स ने और उसके बाद के पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने दिखाया कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी गिरती ही जाएगी ऐसा कोई नेचुरल लॉ नहीं, बल्कि उल्टा साबित किया जा सकता है कि एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की थियरी गलत है। मार्क्स ने पहली बार यह बताया एक ऐसे फिनोमेनन के बारे में जो कि मार्क्स से पहले बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि रेट ऑफ प्रॉफिट गिर रहा है कैपिटलिज्म में एक लंबे ड्यूरेशन में। मार्क्स ने उसकी सही व्याख्या दी, उसका सही इंटरप्रिटेशन दिया। अब आज इस रेट ऑफ प्रॉफिट की थ्योरी पे बहुत बहस चल रही है जिसमें माइकल हाइनरिच जो आई बिलीव पुणे भी आए थे कुछ समय पहले, वो कहते हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट गिरेगा ही, मार्क्स ऐसा दिखा नहीं पाया। मार्क्स को ये दिखाना नहीं था कि वो गिरेगा ही, वो गिरता ही है ये तो सभी जानते थे पहले से। मार्क्स ने उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया। तो रेट ऑफ प्रॉफिट माइकल हाइनरिच बोलते हैं कि वो तो गिरता ही नहीं है। दूसरे उनके बहुत रीडिंग में प्रॉब्लम है, जैसे वो बोलते हैं कि वैल्यू जो है वो लेबर वो एक्सचेंज में पैदा होती है, जब एक्सचेंज होता है एक्सचेंज के बिना वैल्यू का कंसेप्ट बेकार है। तो इसके वैल्यू अगर आप बोलते हो एक्सचेंज में पैदा होती है तो आप मानते हो कि प्रोडक्शन में वैल्यू नहीं पैदा होती है, तब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर गायब हो गया इसमें से। दूसरी बात वो ये भी नहीं बता पाते कि अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिका है ना, एक्सचेंज हो ही नहीं पाया, तो लेबरर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, वैल्यू जनरेट हुआ था कि नहीं हुआ था।
तो हाइनरिच का जो थियरी है वो वैल्यू फॉर्म पे बहुत फोकस करता है और वैल्यू के सब्सटेंस पे फोकस नहीं करता है। इसको मैं और एलाबोरेशन में, वक्त कम है इसलिए अगर कोई सवाल पूछेगा तब मैं जाऊंगा, लेकिन माइकल हाइनरिच का यही थियरी है। इसको हम बोल सकते हैं इथेरियलाइजेशन ऑफ वैल्यू। इथेरियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू कोई वायवीय चीज बन गई, हवाई चीज बन गई, जो केवल एक्सचेंज से पैदा होती है। लेबर फिजिकली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एक्सचेंज होगा तभी वैल्यू पैदा होगा। उसी तरीके से वो रेट ऑफ प्रॉफिट पे भी बोलते हैं कि मार्क्स नहीं दिखाता है कि वो हमेशा गिरता है, तो उसका भी बहुत लोगों ने जवाब दिया है। डेविड हार्वे भी आजकल ऐसी बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट का गिरना मेन कारण नहीं है, फाइनेंशियलाइजेशन होना और वेज स्टैग्नेशन ये कारण है, जबकि ये दोनों प्रॉफिटेबिलिटी के क्राइसिस की वजह से होता है। वेज भी स्टैग्नेट इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइसिस होता है, और फाइनेंशियलाइजेशन यानी सट्टा बाजार में और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट भांडवलशाह तब करता है जब उसको उत्पादक गतिविधियों में इन्वेस्टमेंट करने पर मुनाफा नहीं मिलता है, जब रेट जो प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइसिस होता है। तो जो दिख रहा है या जो क्राइसिस के आने का प्रॉक्सीमेट रीजन है, इमीडिएट रीजन है, उसी को वो फंडामेंटल रीजन मानते हैं, जबकि फंडामेंटल रीजन ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइसिस साइक्लिकली कैपिटलिज्म को क्राइसिस की तरफ ले जाता है। तो और भी बहुत कुछ अभी है कहने के लिए, लेकिन अब वक्त चूंकि नहीं है और डिस्कशन के लिए वक्त होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ बात खत्म करूंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ों को इसमें इनकैप्सुलेट कर दिया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। जैसा कि हमने कहा, आगे भी बात जारी रहेगी और यहाँ हॉल में भी बात जारी रहेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने उकसाया है, भड़काया है और कन्फ्यूज किया है, उसके बरक्स उसके मद्देनज़र कुछ सवाल आएंगे। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पेशेंटली मेरा प्रेजेंटेशन सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे एक लाइवली इंटरेक्शन से होगा। थैंक यू।